लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ये क्या हरकत है? मैं वहां पे तुम्हारा इंतजार कर रहा था और तुम यहाँ पे इस तरह घूम रही हो। देखो, जब राजा और रानी साथ जा रहे हो ना, तो गुलाम को उनके पीछे रहना चाहिए। किशन, नाराज क्यों होते हो यार? हिम्मत है तो ले जाओ अपनी रानी को। ठीक है बच्चू, मैं तुझे भी देख लूंगा। बड़े दिनों के बाद आज थोड़ा सा रोमांस करने का चांस मिला है। आई एम वेरी लकी किशन। क्या हुआ? मैं ये सोच रहा था कि रोमांस के बाद तुम शादी तक भी पहुंच सकती हो। तो क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि मुझसे शादी भी नहीं कर सकते? नहीं, वो बात नहीं है। क्या है कि मैं एक होने वाला डॉक्टर हूँ और कॉलेज पास करने के बाद डॉक्टरी करता हूँ, ये शादी अभी तक सोचा नहीं। वो देखो, वो पेड़ दिखाई दे रहा तुम्हें? हाँ? अरे बहुत मानता है उस पेड़ की, लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से आते हैं दर्शन के लिए, खास करके कुंवारी लड़कियाँ। मैं तो कहता हूँ फट से जाकर आशीर्वाद लो, उतनी देर में मैं सोचता हूँ। लेकिन लो कमाल है, तुम पेड़ का एक फेरा नहीं लगा सकती तो शादी के साथ फेरे कहां से लगाओगी? मैं तो कहता हूँ फट से जाकर आशीर्वाद लो ताकि चट मंगनी फट गया। अच्छा ये बात है, तो मैं अभी गई अभी आई। मैं भी अभी गया और कभी ना आया। किशन, बहुत
बहुत देर हो गई मालिक, खाना लगा दूं। रामू, तुम्हें यहाँ नौकरी करते हुए कितने बरस हो गए हैं? एक पर 20 साल तो जरूर हो गए होंगे मालिक। ठीक 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 गधे, एक पर 20 नहीं 20 पर 1 कहो, मगर तुम अभी तक 0 पर ही हो। तुम अच्छी तरह जानते हो कि हम रात का खाना किशन के बगैर नहीं खाते। किशन को आ जाने दो, फिर हम दोनों बाप बेटा डट कर तुम्हारे हाथ के पके हुए खाने से कबड्डी खेलेंगे। मालिक एक बात कहूँ? हाँ कहो। छोटे मालिक को आपके लाड़ प्यार ने बिगाड़ा है। दिन में सड़कों पर मोटरसाइकिल दौड़ाते हैं हवाई जहाज की रफ्तार से, और रात को इस बूढ़े को दौड़ाते हैं दरवाजे की तरफ। सारा कसूर आपका है। मैं तो कहता हूँ लो आगे लग जाएगी। अरे तू तो बस कहता ही रहता है, सुनता किसी की नहीं। मेरा बेटा लाखों में एक है, बस इसे डॉक्टर बन जाने दे, फिर सबसे पहले तुम्हारी जुबान बंद करने का इलाज करवाऊंगा। वो तो मैं करने वाला नहीं। छोटे मालिक, छोटी सरकार, आपने मुझसे कुछ कहा? मैं जी हाँ, मैं दिन भर तो सड़कों पर हवाई जहाज दौड़ाता रहता हूँ और रात को इस बुड्ढे को दौड़ाता हूँ दरवाजे तक। हाँ, बाय द वे, आप दोनों को बहुत तकलीफ देता हूँ ना मैं। अरे कौन कहता है, किसने कहा? अरे रामू, तुमने कुछ कहा? मैं तो कुछ बोला नहीं सरकार। ये तो बोला ही नहीं। अरे फिर खड़े मुंह क्या देख रहा है? देखता नहीं छोटे मालिक का भूख के मारे पेट बिल्कुल अंदर हो गया है। जा खाना लगा, चल चल भाग भाग। आओ बेटे अंदर। मैं चला बाहर, चल के किसी ढाबे में खाना खा लूंगा। क्यों? मैं इस घर में खाना नहीं खा सकता जहाँ हर वक्त मेरी शिकायत होती रहे। खाना खाऊंगा तो पेट में दर्द हो जाएगा। वेरी गुड वेरी गुड, तुम्हारे इस दर्द का इलाज है मेरे पास। अरे चल भाई, निकल निकल। ये रहा, ये है तुम्हारी नई स्पोर्ट्स कार की चाबी। पहले खाना। अरे खाने की क्या बात है, फौरन खा लेते हैं डैडी। यू आर अ स्वीट हार्ट। अरे मच्छी खा, ये भिंडी क्या खा रहा है? क्या बात कर रहे हैं डैडी, रामू काका ने जो भिंडी बनाई है ना, वो भिंडी बाजार वाले ये भिंडी खा लें तो पूरा बाजार रामू काका के नाम पर कर दें। पहले गाजर का हलवा खाओ, फिर चाबी को हाथ लगाओ। क्या डैडी, चाबी का जलवा दिखाएंगे नहीं, गाजर का हलवा खिलाएंगे। नहीं डैडी, मैं देखता हूँ। चाबी को हाथ मत लगा। हेलो, होल्ड ऑन प्लीज। डैडी आपके लिए, डैडी आपके लिए फोन है। थैंक यू थैंक यू। अरे फिर दो टेलीफोन, अगर मेरा टेलीफोन है तो। हेलो। धोखेबाज, दगाबाज, फरेबी, मुझे छोड़कर भाग गए, शर्म नहीं आती तुम्हें? आप कौन हैं? कौन हैं आप? अब मैं कौन हो गई? थोड़ी देर पहले तो मैं दुल्हन बन रही थी, शादी कर रहे थे मुझसे, और अब मैं कौन हो गई? अरे भाई आप गलत समझ रही हैं। अच्छा चलो मान लेती हूँ, मुझे ही समझने में गलती हो गई होगी, लेकिन अपनी शादी की बात तो पक्की है ना किशन डार्लिंग? मैं किशन डार्लिंग नहीं हूँ, मैं तुम्हारे डार्लिंग का बाप हूँ। बोलो का मुहूर्त निकलवाऊं? स्वीट वॉइस, वेरी स्वीट वॉइस। ए किशन, देखा भाग गए ना? भाग गया। बड़ा शरारती है। शरारती तो बचपन से ही है। और एक अपने कपिल बाबू थे, कितने शान, कितने सुंदर, कितने भोले। माफ करना मालिक, अचानक मेरे मुंह से बात निकल गई। तुम्हारे मुंह से तो आज अचानक ये बात निकल गई रामू, लेकिन मैं तो बरसों से अपने सीने में इस दर्द को छुपाए अंदर ये दर्द तड़प रहा हूं। उस कमीने बिरजू ने बचपन ही से मेरे कपिल को मुझसे जुदा कर दिया। घर का नौकर घर के मालिक को उठा कर ले गया। पुलिस भी आज तक कुछ न कर सकी, 15 बरस बीत गए इंतजार करते करते। इंतजार की लकीर तो उसी दिन से विधाता ने मेरे मुकद्दर में खींच दी थी रामू, जिस दिन मेरा कपिल मुझसे जुदा हुआ था। जो जुदा हो गया था वो वापस आ रहा है सेठ ब्रजमोहन। तुम जब भी मुझे सेठ ब्रजमोहन के नाम से पुकारते हो मेरे यहाँ पे कुछ होने लगता है। कम टू द पॉइंट, इसका क्या करना है? 10 दिन बाद चिमनलाल जेल से छूटकर वापस आने वाला है। कपिल कुमार, कहीं चिमनलाल के छूटने की चिंता तुम्हें इसलिए तो नहीं हो रही कि तुम उसकी लड़की से शादी करके उसे गांव में छोड़ाए हो? हाँ सेठ ब्रजमोहन, बिजनेस से इस मामले का कोई ताल्लुक नहीं। मैंने जो कुछ भी किया है या कर रहा हूं इससे तुम्हारे बिजनेस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। सबूत सामने है, आज तुम्हारा नकली दवा बनाने का रैकेट
कानपुर से लेकर कन्याकुमारी तक फैल चुका है। अपने इस तीसरे पार्टनर के साथ हमें क्या सलूक करना चाहिए, यही जानने के लिए मैंने तुम्हें कानपुर से यहाँ बुलाया है। आजकल बहुत बोलने लगे हो के खुशू, अच्छा बोलते हो। जब सभी काम ठीक कर रहे हो तो इस नए काम का फैसला भी तुम्हें पर छोड़ता हूँ। बस इतना ख्याल रखना, धंधे में जितने पार्टनर कम हो फायदा उतना ही ज्यादा होता है। लो भाई, मेरे जाने का वक्त हो गया। चिमनलाल के वक्त के बारे में सोच लो कि उसे कब जाना है और कैसे जाना है। कमाल है, इतनी शानदार गाड़ी होते हुए क्लियो पेट्रा फुटपाथ पर चल रही। मेरा नाम क्या है तुम अच्छी तरह जानते हो। कोई बात नहीं जूलियट, हम कॉलेज जा रहे हैं, तुम्हें भी छोड़ देते हैं। शुक्रिया। इनकार के लिए या इकरार के लिए? तुम अच्छी तरह जानते हो मुझे बदतमीजी पसंद नहीं है। बदतमीजी नहीं, पोइट्री पसंद है। वैसे मेरी अपनी नहीं है लेकिन अर्ज किया है। रात भर मैं सोचता रहा चुपचाप, चली गई चुपचाप। बेटर लक नेक्स्ट टाइम बॉय। अरे कम से कम दोस्त के हाथों मरने से शहीदों में तो नाम होगा। शहीद होने से पहले ये तो बताते जाइए कि आप हैं। अरे इसमें पूछने की क्या जरूरत है किशन, ये तो है ही। एक उल्टे हाथ का रसीद करूंगा, आगे कुछ बोला तो। हाँ बाबा आगे कुछ मत बोलो, जब बेचारा मान ही रहा कि ये है तो फिर इसे मजबूर क्यों करते हो। हाय हाय, मगर हमको भी तो मालूम पड़े कि हम क्या हैं। वही है अपनी डंपो के। देखो मिस्टर किशन, तुम हमेशा मेरे प्यार का मजाक उड़ाते हो यार। मेरी गर्लफ्रेंड और मेरे प्यार की इतनी बदनामी। धरती माँ तू फट जा ताकि मैं किताबों समेत तुझ में समा जाऊं। कम से कम इम्तिहान में तो नहीं बैठना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत होने देना, ऐसा मत करना यार। कहीं ऐसा हो गया ना तो डंपो बेचारी शादी से पहले विधवा हो जाए। हाँ, क्या यार किशन तुम भी कमाल करते हो, क्या गारंटी है कि शादी के बाद वो विधवा नहीं होगी। अच्छा ये डंपो की बात छोड़ो यार, ये बताओ हमारी ये नई गाड़ी कैसी लगी। हाँ डैडी ने आज ही प्रेजेंट दी। कमर है, लटकती मटकती। लेफ्ट राइट 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 लेफ्ट। आपके पांव बहुत खूबसूरत हैं, जरा संभाल के जमीन पर रखिएगा, मैले हो जाएंगे। मैडम आप गुड मॉर्निंग। कॉलेज में तो ठोकरा लोग यही मस्ती करता है, हम पूछता है। मैडम आप पूछता है कि पूछती है। यही है तुम्हारा स्टडी, कॉलेज में कोई डिसिप्लिन होना मांगता है। शेम ऑन यू पीपल, हम बोलता है गो टू योर क्लासेस, गो टू योर क्लासेस इमीडिएटली। लेडीज फर्स्ट, आई मीन पहले आप जाइए बाद में हम आएगा। नॉनसेंस। अरे धमका दी आपने यार को मिसेस जेम्स, बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। अच्छा ये तो बताइए मिसेस जेम्स का फर्स्ट लेक्चर कहाँ है। अरे वो जो फर्स्ट ईयर के नए स्टूडेंट्स आए हैं ना, मिसेस जेम्स का पहला लेक्चर वही है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सिट डाउन सिट डाउन। क्योंकि आप लोगों का कॉलेज में पहला दिन है इसलिए मेरा फर्ज बन जाता है कि मैं आप लोगों को सब कुछ साफ साफ बता दूं, और वो भी आप लोगों के फायदे के लिए। सबसे पहली बात तो यह है कि मैं आप लोगों का प्रोफेसर नहीं हूं। जी जी हाँ, आपके प्रोफेसर हैं पतली सी खूबसूरत सी नाजुक सी मिसेस जेम्स। अरे आप लोग उनके गुस्से पर मत जाइए, उनका दिल बिल्कुल एक अखरोट की तरह है, बाहर से कड़क है अंदर से नरम है। और इत्तेफाक की बात तो यह है कि आज उनका जन्मदिन है। अगर आप उनकी नजरें इनायत चाहती हैं तो आज जैसे ही वो क्लास में आए तो उनका स्वागत फूलों से करें। अर्दली 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 फूल बांटो। यस सर। मिसेस जेम्स के फूल, मिसेस जेम्स के फूल, मिसेस जेम्स के फूल। हैप्पी बर्थडे मिसेस जेम्स के फूल, मिसेस जेम्स के फूल। ओके गर्ल्स हम चलते हैं। ओह विश यू ऑल द बेस्ट, हमारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। बाय बाय। गुड मॉर्निंग मिसेस जेम्स। गुड
is this? This is this. You will come to know later, miss. Shut up. Fool. Good morning, miss. Good morning. Sit down, sit down, sit down, sit down. Happy birthday, miss. Happy birthday. 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 Are you doctors or actors? शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। आप लोग कॉलेज के सीनियर स्टूडेंट, कल बड़ी जिम्मेदारी उठानी और आप लोग ऐसी बेहुदा हरकतें करते हैं। गर्ल्स जाओ हाथ में धो लो। किशन तुम कॉलेज के ब्रिलियंट स्टूडेंट हो लेकिन मुझे बहुत दुख हो रहा है ये सब देखकर और जानकर। सर हमारा क्या हालत बनाया ये लोग, हमारा कितना फैंसी ड्रेस था। पहले आपका ड्रेस फैंसी था, अब ये फैंसी ड्रेस हो गया। चलो तुम दोनों मिसेस जेम्स से माफी मांगो। सर मेरे पास चेंज नहीं है, नहीं तो माफी मांगने के साथ साथ मैं इन्हें सनलाइट साबुन के पैसे भी दे देता। मुरली सॉरी सर, सॉरी मैडम। तुम लोग जा सकते हो। यस सर। लेकिन याद रखना, यस सर, ये तुम दोनों के लिए आखिरी वार्निंग है। यस सर। आइंदा कोई ऐसी हरकत हुई तो मुझे मजबूरन सख्त कदम उठाना पड़ेगा। नो चांस सर, लेट्स गो। लेट्स गो। उन लोगों ने हमारा मुकाला किया, हम उनका मुकाला करेंगे। जो रास्ता तुम चुन रही हो उस पर चलने से तुम्हें और उनमें फर्क ही क्या रह जाएगा। मधु तुम उनकी क्लास में पढ़ती हो इसलिए उनका साथ दे रही हो। आज अगर हमने उनसे अपनी बेइज्जती का बदला नहीं लिया तो कल मैं भी गुजरे हुए कल के बारे में सोच रही हूँ। तुम क्या समझती हो, आज जो तुम्हारे साथ हुआ मैं नहीं भुगत चुकी हूँ। मुझे भी वो दिन याद है जब मैं पहली बार इस कॉलेज में आई थी। गुरु बोका चल भिड़ जाओ, अरे जाओ यार, जाओ जाओ जाओ। एक्सक्यूज मी मिसा, क्या मैं पूछ सकता हूँ कितना है? क्या किराया? किराया? आप कॉलेज के हॉस्टल में नई नई आई है ना इसलिए। जी हॉस्टल में मैं 150। 150? बस बहुत सस्ते में सौदा पट रहा, क्या हम आ सकते? जी वो सिर्फ लड़कियों के लिए है। सिर्फ लड़कियों के लिए? How sad, I must say it is very sad. अच्छा ये बताइए, ये जो 150 है वो दिन के लिए है कि पूरे महीने के लिए? What nonsense, behave yourself. क्या बदतमीजी है? बदतमीजी? हेलो, टू लेट का बोर्ड लगाए तुम घूम रही और बदतमीज हमें कह रही हो? जरा देखिए टू लेट। दौलत के नशे ने उसे बदतमीज बना दिया है। उसकी शरारतों की वजह से पूरे कॉलेज की लड़कियां परेशान हैं। जब देखो कोई ना कोई नया हंगामा, कोई ना कोई नई शरारत। शांति, वो सब स्विमिंग पूल पर हैं, वो अंदर हैं और उनके कपड़े बाहर हैं। गुड आइडिया, हमारा मुंह काला करने वालों को आज हम बिना कपड़े घर भेजेंगे। लेट्स गो। बस आ रही है, लगा दो। जमा के, जमा के। और हाय हैया हो हैया, श्रीमान डंपो के तुम्हारे डंपो अभी तक लौट कर नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि डबल क्रॉस कर गयी? जिस दिन उसने मुझसे डबल क्रॉस किया ना प्यारे, उस दिन मैं अपनी जिंदगी से डबल क्रॉस कर जाऊंगा। अरे ये हुआ ना इश्क मोहब्बत, सचमुच डंपो के हो। ओके बॉयज रिमेम्बर तरकीब नंबर 420। रेडी गई। तरकीब नंबर 400
से ऐ दोस्तो फोन करो पुलिस को जल्दी से ऐ दोस्तो अरे फोन करो पुलिस को सेवा मुफ्त करो इनकी तुम ना मांगो फीस को हाय गोरी गोरी ए प्यारी प्यारी सूरत बदल गई तरतीब नंबर 420 काम कर गई इतना क्यों इतराती हो ये कुछ ऐसा काम नहीं इसका बदला मैं न लूं तो मेरा भी नाम नहीं अरे इसका बदला मैं न लूं तो मेरा भी नाम नहीं फिर ना कहना ओ बाबा मैं क्या चाल चल गई हमने तो कर डाला है हाथ पकड़ मैं देखूं तो तू कैसा दिलवाना है अरे 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 भागो अरे दौड़ो पिंजरे से बुलबुल बाहर निकल गई तरकीब नंबर 420 काम कर गई डंबो के आ ये लो 100 रुपए और खिला दे देवियों को आइसक्रीम अरे जैसे गर्मियों में गर्म चाय ठंडक पहुंचाती है उसी तरह सर्दियों में सर्द आइसक्रीम गर्मी पहुंचाती है देख कैसे थर थर कांप रही है कन्याओं क्या बोला इसका मतलब ये हुआ कि देवी आइसक्रीम नहीं खाना चाहती अजी उसके लिए भी दिल होना चाहिए दिल एक बात तो बताओ डंपो के है? ये बुजदिल लड़कियां डॉक्टर कैसे बनेंगी अजी खाक बनेंगी हकीम वैद्य जरूर बन सकती हैं अगर आप सब इतने ही बहादुर हैं तो लगाइए एक शर्त अजी अपने सीने में तो स्टेनलेस स्टील का दिल फिट है आजमा लीजिए हमारी बहादुरी को ठीक है आज रात को 12 बजे कॉलेज के अस्पताल के मुर्दा घर में कदम रख सकेंगे आप अजी इसमें क्या बड़ी बात कॉलेज के अस्पताल के मुर्दा घर में हाँ, ये 5 चांदी के रुपए हैं और वहाँ 5 मुर्दे हैं हर एक मुर्दे की हथेली पर 1-1 रुपया रख कर आइए तब हम मानेंगे कि आप काम के बहादुर हैं सिर्फ नाम के नहीं मुर्दा घर अब क्यों बोलती बंद हो गई सबकी शर्त सुनते ही बुजदिलों की गर्दनें झुक गई चलो जी चलते हैं अजी कहाँ चलते हैं जरा ठहरी बुलाया बुलाया है आज तक हमारी शरण में जो भी आया कुछ दे कर गया है लाइए 5 रुपए हमें शर्त मंजूर है ब्रदर अरे क्या कर रहे हो जाइए जाइए ब्रदर क्या कर रहे हो ब्रदर मुर्दा घर में मेरे बस का रोग नहीं ब्रदर मुझे तो इन मुर्दों की जान खतरे में नजर आ रही है जल्दी अरे
मधु, मैं बता नहीं सकती उस वक्त क्या सीन था, क्या चेहरा था इन बहादुरों का उस वक्त। अगर मेरे पास कैमरा होता ना तो इनकी तस्वीर मैं शहर के हर न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर छपवाती और नीचे पता है क्या कैप्शन लिखवाती, इनसे मिलिए, ये है बुजदिलों के बेताज बादशाह उर्फ डरपोक सिकंदर। बस्ती करो, रात गई बात गई, तुम तो पीछे पड़ जाती हो। तीन आइसक्रीम ले आओ। तीन नहीं, चार। मैं भी आइसक्रीम खाऊंगा मम्मी। मम्मी, तुम्हारी तारीफ? तुमने मना किया था ना किसी से न कहना, फिर कैसे कहूँ सबके सामने कि तुम मेरी मम्मी हो। शांति, ये सब क्या है, क्या बक रहे हो तुम, कौन है तुम्हारी मम्मी? तुम आज रोज की तरह तुम मुझसे अनाथ आश्रम में मिलने नहीं आई तो मैं ही चला आया। तुम्हारे बिना मैं बहुत उदास हो जाता हूँ मम्मी। आइसक्रीम मंगाओ ना, मैं तुम्हारे हाथ से खाऊंगा मम्मी। मम्मी मम्मी मम्मी, मैं तुम्हारी मम्मी नहीं हूँ। वो आश्रम में सब मुझे बहुत मारते हैं, अब मैं तुम्हें छोड़कर वो ले जाऊंगा मम्मी। मत रो बेटे, ठीक शांति, तुम्हें शर्म नहीं आती इतने मासूम बच्चे पर इतना जुल्म करती हो? कैसे माँ हो तुम? मैं इसकी माँ नहीं हूँ, ये मेरा कोई नहीं, मैं तो इसे जानती भी नहीं। चुप रहो, इसकी आंखों को देखो, नाप नक्शा देखो, बिल्कुल तुम पर गया है। मम्मी भी यही कहती थी मुझसे। अच्छा, अरे अरे अरे, कितना प्यारा बच्चा है और किस तरह तड़प रहा है माँ के बगैर। क्या जमाना आ गया है, माँ समाज और सोसाइटी में कुंवारी बनी रहने के लिए अपने बेटे को बेटा मानने से इनकार कर रही है। ची 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 ची, बेटे जरा अच्छी तरह से देख लो, यही तुम्हारी माँ है ना? हाँ। जरा फिर से देख लो बेटा, फिर से देख ले। नहीं नहीं, ये सब झूठ है। सच क्या है शांति, देखो मुझसे मत छुपाओ, अगर तुमसे कोई भूल हो गई हो तो मैं तुम्हारा साथ देने को तैयार हूँ। कौन है इस बच्चे का बाप? मैं कुछ नहीं जानती मधु, मैं कुछ नहीं जानती। मेरी बात तो सुनो। वाह पट्टे, तुमने तो कमाल कर दिया उस्ताद। अरे उस्ताद की उस्तादी अभी आप लोगों ने देखी कहाँ है, ये तो एक मामूली सा ट्रेलर था, किसी का बेटा बनने की बात थी। भैया तो एक्टिंग करके आपका बाप बन के दिखा दूं? अबे और रहने दे मेरे बाप, अभी इतना ही काफी है। हाँ ये ले अपने 10 रुपए और हो जाए यहाँ से रफू चक्कर, चल। ए, चक्कर मत दो साहब, ऐसे काम नहीं चलेगा, अपना तो पर डायलॉग रेट फिक्स है, 10 बार तो मम्मी ही बोला है, 100 तो उसी के हो गए। लेकिन ये तो बहुत ज्यादा हुए दोस्त। ठीक है, जितना आप दो उतना आपसे, बाकी हम दूसरी पार्टी से वसूल कर लेते हैं। दूसरी पार्टी से मतलब? वही, अभी जाकर मैं इन सब से मिलते हैं, अपने एक ही लाइन बोले से अपने सारे बैलेंस चुकता हो जाए। नहीं नहीं, ऐसा जुल्म मत करना उस्ताद, ये ले तू 100 रुपए ही ले ले, बाय बाय। अबे देख क्या रहा, मेरा चाचा असली है। ठीक है चलते हैं, फिर कभी जरूरत पड़े तो अपन को याद कर लेंगे। करेंगे करेंगे। अबे सचमुच मार गया, ये तो बड़ा चालू हुआ। ए ठोकरे शांति। मधु, शांति तो कॉलेज से दोपहर को ही लौट कर आ गई, न जाने क्या बात थी, आती उसने अपना सामान पैक कर लिया और चली गई। चली गई? हाँ हाँ, जाते जाते ये चिट्ठी तुम्हारे नाम की दे गई है। इतनी बेइज्जती होने के बाद मैं अब इस कॉलेज में नहीं रह सकती मधु, मैं जा रही हूँ। लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें इतना बता देना चाहती हूँ, मैं वैसी लड़की नहीं हूँ मधु जैसा तुम लोगों ने मुझे समझा है। I'm sorry. कार में बैठने के बाद क्या सड़क पे इंसान दिखाई नहीं देता? डॉक्टर साहब कैसी है मधु? ठीक है, दिमागी दहशत की वजह से दिल को धक्का लगा है, 2-3 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ओके, आप लोग अपने अपने क्लास में जाइए, कम ऑन हरी अप।
प्रिंसिपल साहब, हर चीज की एक हद होती है किशन। तुम्हारी जिंदगी की तेजी आज किसी की मौत बन सकती है। मैं बहुत शर्मिंदा, माफी चाहता हूँ। मैं एक मिनट के लिए मना नहीं कर सकता। उसे आराम की जरूरत है, डोंट डिस्टर्ब नाउ। उसे जरा समझ जाने दो, उसके बाद चाहो तो मिल सकते हो। थैंक यू सर। कमिंग। ओ तुम, तुम्हें कैसे लग रही हूँ? सुबह से तो ज्यादा खूबसूरत है ना? हाँ, बहुत अच्छी लग रही हूँ। नहीं, अरे हाँ, दरअसल मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। तुम मेरी गाड़ी के सामने आ गई ना, इसलिए एक्सीडेंट हो गया। ओ, आप बैठने के लिए नहीं बोलेंगे? हाँ, बैठिए। थैंक यू। जानती हो किशन, अंदर ही अंदर न जाने मैं तुम्हें कब से जाने लगी हूँ, लेकिन इस चाहत का इकरार करने की हिम्मत मुझ में नहीं थी, इसलिए मजबूरन तुम्हारे नजदीक आने के लिए मुझे यह कदम उठाना पड़ा। ओह माय गॉड, इसका मतलब जो कुछ भी हुआ तुमने जानबूझकर किया? मतलब जानबूझकर मेरी गाड़ी के सामने आई? ओह नो। ओह यस, गॉड ब्लेस यू। लेकिन ऐसा क्यों किया तुमने? अपने दिल की धड़कन तुम तक पहुंचाने के लिए इसके सिवाय और कोई रास्ता भी तो नहीं था। क्या सोच रहे हो? क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, कुछ यही नहीं। ना जिस तरह मैंने अपने प्यार का इजहार तुम्हारे सामने कर दिया है। करेक्ट। तुम्हारी नजर में मेरी मोहब्बत की कीमत कम हो गई है। करेक्ट। नहीं, नॉट करेक्ट। मेरा मतलब है, मुझे आज तक नहीं मालूम था भाई प्यार क्या होता है, मोहब्बत क्या होती है। मेरा मतलब है, फर्स्ट टाइम। नहीं, मैं तुम्हें पाकर खोना नहीं चाहता। रियली आई स्वेयर। मैम साहब कॉफी? हाँ ला। बना दो? नहीं, तुम जाओ, मैं बना लूंगी। जी नहीं, मैं बना दूंगा, आप क्यों तकलीफ करते हैं? आप बैठिए, मैं बनाती हूँ। मेरे हाथ की कॉफी पियेंगे ना? तुम अगर प्यार से जहर भी पिलाओगी तो मैं पी लूंगा। मैं सच कहता हूँ, मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि तुम मेरे इतने नजदीक आ जाओगी। अभी तो दूर हूँ, नजदीक आ जाओ। Oh, I'm sorry. It's all right. अरे रोशना, अरे पागल हो गई क्या? अकेले लड़के को देखकर तुम्हारी ये हिम्मत? मैं अभी तुम्हें पुलिस के हवाले कर दी। अरे क्या कर रही हो? अरे लेकिन सर मेरी बात तो सुनो। तुम्हारे जैसा इंसान ऐसी हरकत करेगा मैं सोच भी नहीं सकता। इससे पहले मैं तुम्हारी हरकतों को बचपना समझ के माफ करता रहा, लेकिन तुम्हारी इस नीच हरकत ने मुझे मजबूर कर दिया। यू आर रेस्टिगेट। यही सोच रहे हो ना कि मैं यहाँ कैसे आ गई? कैसे आ गई ये नहीं सोच रहा, क्यों आई हो यही सोच रहा। कैसे और क्यों, यही तो दो लफ्ज हैं जो इंसान की जिंदगी भी बदल सकते हैं और उनका दिल भी। दूर क्यों खड़े हो? ये तो तुम्हारा घर है, तुम्हारा कमरा, और मैं इस वक्त तुम्हारे सामने बिल्कुल अकेली खड़ी हूँ। मुझसे बदला लेने का इससे अच्छा मौका तुम्हें और कहाँ मिलेगा? मैंने जानबूझकर यह खतरनाक कदम उठाया है, जानते हो क्यों? अपने हौसले को खुद आजमाने के लिए। चली जाओ यहाँ से। इसका मतलब है जीत मेरी हुई। तुम तो पहले ही जीत चुकी हो। कॉलेज में मुझे बदनाम करके, जलील करके, अब मेरे घर में मेरी इज्जत का तमाशा बनाना चाहती हो? Get out of my sight. क्यों? हार बर्दाश्त नहीं हुई? जरा सी चोट खाई और तड़प उठे? कभी उन मासूम लड़कियों के बारे में सोचा है जिनकी बेबसी और मजबूरी का तुम आज तक मजाक उड़ाते रहे?
तुम्हारी वजह से मेरी प्यारी सहेली कॉलेज छोड़कर चले गए। न जाने कितनी लड़कियां तुम्हारी शरारतों के जुल्म से अंदर ही अंदर घुटती रहती हैं। इसलिए कि दौलत की चाबुक तुम्हारे हाथों में है और गरूर का नशा तुम्हारी आंखों में। धरती पर देखकर चलना तो तुमने सीखा ही नहीं, लेकिन ये मत भूलो किशन, गरीब की भी इज्जत होती है, मान मर्यादा होती है, सेल्फ रेस्पेक्ट होती है। दूसरों को ठोकर से उड़ाने वाला इंसान एक दिन खुद भी ठोकर खा सकता है। आज कैसे तुम्हारी आंखें भर आई? काश इन आंसुओं को तुमने पहले ही किसी दूसरे की आंखों में देख लिया होता। ये लो, मैंने प्रिंसिपल साहब से सब कुछ कह दिया है। जो कुछ हुआ एक नाटक था, एक भटके हुए इंसान को सीधे रास्ते पर लाने के लिए। असली जानकर उन्होंने कॉलेज में तुम्हारी वापसी की मंजूरी दे दी है। अगर तुम चाहो तो कल ही कॉलेज ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन जाने से पहले मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। तुम एक अच्छे स्टूडेंट हो। फिजूल की शरारतों में वक्त जाया करने की बजाय अगर तुम इसी वक्त की कदर करो तो क्या? मुझे बहुत खुशी होगी। अभी अभी मैं आप लोगों को हार्ट ट्रांसप्लांटेशन के बारे में कुछ बता रहा था। वैसे तो आप लोग डॉक्टर बन ही चुके हैं, लेकिन इससे पहले कि आप अपने पेशे की दुनिया में कदम रखें, मैं आपको आपके फर्ज के बारे में कुछ समझाना चाहता हूं। सबसे पहली बात यह है कि एक डॉक्टर के दिल में रहम का जज्बा होना बहुत जरूरी है। दिल एक ऐसी चीज है। मुरली। यस सर। तुम्हारा दिमाग किधर है? दिल की तरफ सर। लेक्चर सुनने की बजाय तुम इधर उधर क्या देख रहे हो? उधर देख रहा था दिल की तरफ, इधर देख रहा था किशन की तरफ। न उधर दिल है न इधर किशन, दोनों के दोनों गायब है। हेलो मधु। हेलो। तुमने तो पूरे कॉलेज में हंगामा कर दिया। किशन को बहुत घमंड था अपनी दौलत का, तुमने ऐसे तारे दिखाए तबीयत खुश हो गई। बहुत खुश हो? इतना खुश हूँ कि बता नहीं सकता। तुमने जो उसकी बेइज्जती की है, अगर उसमें जरा भी इंसानियत होगी ना, दोबारा कॉलेज में शक्ल नहीं दिखाएगा अपनी। और कुछ? मैं तुम्हें सुबह से तलाश कर रहा था मुबारकबाद देने के लिए। कांग्रेचुलेशन। और हाँ, हो सकता है किशन तुमसे बदला ले, लेकिन तुम चिंता मत करना मधु, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। तुमने जो जहर उगलना था उगल दिया, अब तुम अपनी क्लास में जा सकते हो। दीकरा, तुम सुबह से मोटी मोटी चोपड़ी में सर डाल के दिल को टटोलता है, लेकिन हम बोलता है इन चोपड़ी में कुछ नहीं मिलेगा। अगर दिल के बारे में जानना मांगता है तो किसी के दिल के नजदीक जाके देखो ना, इनमें क्या रखा है। कार का क्या हुआ? कार भी छोड़ दी और ड्राइविंग भी। और वो जो 80 मील की स्पीड? वो भी छोड़ दी। अच्छा, जब सब कुछ छोड़ दिया है तो क्या मुझे मेरे हॉस्टल तक नहीं छोड़ोगे? हाँ, हाँ, ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। बैठो। आज सारा दिन लाइब्रेरी में बैठे रहे, क्लास में क्यों नहीं आए? सच बोलूं या झूठ? सच। देखो भाई, सच बोलूंगा तुम फिर से नाराज हो जाओगी। फिर भी सच कहो। कुछ जानना चाहता था। क्या जानना चाहते थे? कल तुम्हारे जाने के बाद मैं कुछ थोड़ा सा परेशान रहा। खैर, परेशान मुझे तो होना ही था, लेकिन लेकिन क्या? परेशान तुम भी थी, इसलिए तो मुझे ढूंढ रही थी कॉलेज में, क्लास में, वो पार्किंग वाली जगह में, यही जानने के लिए कि इंसान का दिल पल भर में क्यों बदलता है, कैसे बदलता है। दिल के बारे में लाइब्रेरी में बैठ के रिसर्च कर रहा था। कुछ मिला? वो कहते हैं ना, इंसान खो के ही कुछ पाता है,
फिलहाल तो मैंने कुछ खोया है, शायद पाने में थोड़ा सा वक्त लग जाए। इसी मोड़ के आगे मंजिल है, मेरा मतलब मेरा हॉस्टल है। ओ। कुछ कहा? हाँ? कुछ कहना चाहते हैं? नहीं तो कल। कल क्या? कल वो नहीं जो जो कल बीत चुका है। हाँ, कल वो जो कल जो आने वाला, आई मीन टुमारो। हाँ, क्या है कल? मैं सोच रहा था कल नाज रेस्टोरेंट में बैठकर चाय पियेंगे, वहाँ पर चाय बहुत अच्छी मिलती है, गर्मी में गर्म चाय ठंडक पहुँचाती है, गर्म गर्म पीजिए आप भी। यू मीन टुमारो? यस। इवनिंग? यस। 4 o'clock? यस। सोचूंगी। यस। यस बाबूजी, की खाओगे पियोगे? दूध, जलेबी, मलाई, चाय, लेमन। वेट प्लीज। सवाल खांसे का वेट है 55 kilo। तुसी अपना ख्याल रखो बाबूजी, कुछ खाओगे पियोगे नहीं तो पतले हो जाओगे। खालसा जी। हाँ जी। मैं किसी का इंतजार कर रहा हूँ, थोड़ा सा इंतजार आप भी कर लीजिए। अच्छा जी। बाबूजी किसका इंतजार कर रहे हो? किसी वोटी दा? वोटी का मतलब? मतलब होड़ वाली वोटी दा। करू करू करू। क्या हुआ? मछली की तरह तड़प रहा है। मैंने तुमसे कहा था ना, इसक के चक्कर में पड़ गया मेरा यार। अब तो वो अंदर और बाहर चक्कर लगाता रहेगा। तुम आइसक्रीम खाओ 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 खाओ, खाओ फ्री में खाओ। अरे तुम यहाँ? मैं तो मैं जानती हूँ तुम मुझे मिस कर रहे हो। बाहर फुटपाथ पर ढूंढा, बस स्टॉप पर तलाश किया, उस टैक्सी की तरफ भागे, लेकिन मैं तो यहाँ बैठी हूँ। इतनी बेचैनी किस लिए? बेचैनी नहीं, दरअसल क्या है, मैं किसी उलझन में उलझ गया था। कैसी उलझन? उलझन ही, तुम उसे कश्मकश कह सकती हो। ऐसी भी क्या कश्मकश है जिसके लिए इतना रश कर रहे थे तुम? रश? हाँ बहुत रश है यहाँ, बहुत रश है। चलो चलो यहाँ चलते हैं, लेट्स गो फ्रॉम हियर, कम ऑन। किथे जांदे हो सरकार, ऐ तो खा पी के जाओ। किसने मंगाया? आपने मंगाया जी। मैंने? तो फिर पैंट जी ने मंगाया होगा। मैंने कब मंगाया? वो मेरी खोपड़ी खराब थी जो मैं खुद लेके आया। ऐ तुसी मंगाया, मैं लेके आया। ऐ खाना है तो खाओ, नहीं तो बिल देके जाओ। बिल? आपके पास माचिस है? माचिस है? माचिस साढ़े कोल किथे जी? सिगरेट के लिए माचिस। माचिस सही है, अभी लाते हैं जी। ऐसे रुको तुसी। ओ परमानंदिया, ओ जरा माचिस दे, ओ साहब नु सिगरेट नु आग लगानी है। बैठो ना। अब बताओ क्या है कश्मकश? कश्मकश बात यह है जूलियट, नहीं आई एम सॉरी मधु, बात यह है। चलें? नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था, मेरा मतलब था अब आ गए तो बैठ ही जाती है ना, देखो ना कितनी ठंडी हवा चल रही है ना। हाँ, नाज रेस्टोरेंट की चाय भी बहुत ठंडी थी। अच्छा तो बोलो ना क्या है तुम्हारी कश्मकश, मुझे जल्दी जाना है हॉस्टल। कश्मकश क्या है? देखो ना कभी ऐसी बातें भीड़ में थोड़ी होती है, ये तो बातें अकेले करना भाया। तुम्हारे पास माचिस है, मारे सिगरेट को आग लगानी है? इतना मोटा पेट रखकर सिगरेट पीते हो, कैंसर हो जाएगा कैंसर। आ जाते हैं डिस्टर्ब करने, घर की कहीं का। अरे अरे भाया, मारे सिगरेट को तोड़ दिया, अरे आग लगे तुम्हारे इस हक को, तुम्हारी मोहब्बत को। कम 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 बैठो, पूरे शहर में इतनी भी जगह नहीं है कि इंसान तनाई में बैठकर प्यार भरी तो मोहब्बत की बातें कर सके। ये लीजिए। केड़े वाली? इन्हीं की कमी थी, आ गई है। मक्खन जैसे मुलायम केड़े, पाइजे का साथ? हाँ पाइजे 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 पाइजे, टोकरी समेत, फुल फुल सगड़ा पाइजे का? हाँ सगड़ा, लोकर लोकर लोकर, टाइम ना को टाइम ना को। कितने पैसे? हे सगड़ा छे 10 rupees। दा नहीं, 20 20 20, गो गो प्लीज प्लीज प्लीज, हरी अप। कुछ करो। अरे क्या करूं? अरे मेरे साथ नहीं, उनके साथ, उन दोनों में प्यार की बातें शुरू होने वाली हैं। अरे शुरू होने दे तब ना। अभी आया भाया तेरी तो। अबे तू कहाँ से आ गया डंपो के बीच में? आया। अब बताओ गेबी, ये क्या कर रहे हो तुम? अरे लक्ष्मण रेखा खींच रहा हूँ, अब देखता हूँ कौन सा रावण आता, मैं भी तैयार हूँ। ओ ढोला मारू। अरे प्रेमी भाया, अरे दे दे रे माचिस। आओ आओ भाया आओ, अरे माचिस है मारे पास, आओ आओ आओ। अरे दे दे रे। अरे ससुरा करम फूटा। Thank you.
मेरे होश ले लो दीवाना बना दो, कोई बात छेड़ो फसाना बना दो, मेरे होश ले लो दीवाना बना दो, कोई बात छेड़ो फसाना बना दो। बहानों को छोड़ो बहाना बना दो, कोई बात छेड़ो फसाना बना दो, मेरे होश ले लो दीवाना बना दो। मुझे जिंदगी दो मुझे मार डालो, मुझे इस नजर का निशाना बना दो, मेरे होश ले लो दीवाना बना दो। नए प्यार को तुम पुराना बना दो, कोई बात छेड़ो फसाना बना दो, मेरे होश ले लो दीवाना बना दो, कोई बात छेड़ो फसाना बना दो। हाय डैडी, हाय रामू काका द ग्रेट। अरे कमाल है, मैं तो किचन के फ्रिज से लेकर ड्राइंग रूम के अखबार के हेडलाइंस तक आप दोनों को ढूंढा है, जानते हो क्यों? आप लोगों को खुशखबरी देने के लिए। खुशखबरी? क्या क्या?
जो काम आप लोगों से जिंदगी भर ना हो सका वो इस खाकसार से हो गया। मगर क्या हो गया है? चमत्कार हो गया है, प्यार हो गया। आई एम इन लव डैडी, आई एम इन लव। रामू काका को पंडित पहचान का है तो जल्दी से बुलाओ, जल्दी से मेरी शादी करवा दो। ये कोई नई शरारत है क्या? नहीं डैडी, बिल्कुल सीरियस मामला। मैं तो कहता हूँ सुनिए, इधर की उधर हो जाए लेकिन ये प्यार की बंदिश पक्की है, टूट नहीं सकती। अगर तुमने अपने प्यार की बंदिश को खुद ही बांध लिया है तो फिर मेरा हाथ थामने की क्या जरूरत है? छोड़ो। सॉरी। ऐ जनाब, अगर आपकी इजाजत हो तो क्या मैं अपनी होने वाली बहू को देख सकता हूँ? यू आर वंडरफुल डैडी। थैंक यू। यू आर फैबुलस। थैंक यू। मैं अभी गया और अभी फोन करके आता हूँ। यस मधु स्पीकिंग। मैं तुम्हारा चाहने वाला, चाहने वाला नहीं होने वाला पति, होने वाला नहीं समझ लो कि बस होने की तैयारी हो गई। कल शाम को डैडी के लिबर्टी डिपार्टमेंटल स्टोर में 4 बजे पहुंच जाना। 5 बजे तुम्हें दुल्हन की तरह सजाकर डैडी के सामने पेश कर दूंगा और 6 बजे शादी। ए, अरे किशन मेरी बात तो सुनो। देखो भाई, सब बातें सुनूंगा लेकिन कल शाम को शादी के बाद। ओके, सी यू टुमारो एट 4 o'clock डिपार्टमेंटल स्टोर लिबर्टी। यस, बाय बाय। खाना नहीं खाओगे मधु? क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, यूं ही। तुम्हारी चिट्ठी टेबल पर पड़ी थी। ओ, शांति की चिट्ठी पढ़कर जल्दी डाइनिंग टेबल पर आ जाओ। हाँ। मेरी प्यारी सहेली मधु, तुम्हारी साकरी चिट्ठी ने तो मुझे भी चक्कर दे दिया। खुशी यह है कि तुम्हारी सोनी जिंदगी में प्यार की कोई किरण चमकी, और डर इसलिए लग रहा है कि कहीं अनजाने में तुम अंधेरे में ना खो जाओ। इसलिए कल 3 बजे की गाड़ी से मैं खुद वहां पहुंच रही हूँ। स्टेशन पर जरूर मिलना, मुझे तुमसे बहुत कुछ पूछना है। तुम्हारी शांति। कल 3 बजे। हाय पार्टनर। हाय केके। अरे भाई, जेल में कोई तकलीफ तो नहीं हुई तुम्हें? अरे जेल की सारी तकलीफ है, जेल से बाहर निकलने के बाद और ये सब कुछ देखकर गायब हो गई। बहुत तरक्की की मेरे घर आदमी तुमने। हाँ, अच्छा वो बिरजू कैसे है? तुम्हारा मतलब ब्रिजमोहन से है? अरे ब्रिजमोहन होगा तुम्हारे लिए, मेरे लिए तो बिरजू ही है ना। अच्छा भी बताओ मेरी बेटी चंदा कैसी? चंदा? हाँ, चंदा एकदम मजे में है। शानदार हवेली में रहती है, 50 एकड़ जमीन है, आम का बागीचा है। उसकी खुशी के लिए तो मैं खुद दीवाना रहता हूँ। वाह, लेकिन क्या चंदा इस शहर में नहीं है? तुम भी कमाल करते हो पार्टनर, अपनी जिंदगी तलवार के धार पर रहती है। अपनी बीवी को मैं अपने साथ रखने की बेवकूफी भला कैसे कर सकता हूँ? कभी भी कुछ हो सकता है। सच कह रहे हो? तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? आओ बैठो ना। फिर भी मैं एक नजर अपनी बेटी को देखना चाहता हूँ, और तुम मेरे साथ चलो। जरूर चलेंगे, मैं भी चंदा से बहुत दिनों से नहीं मिला हूँ, सोच रहा था तुम आ जाओगे तो साथ चलेंगे। तो फिर आज ही चलते हैं 3 बजे की ट्रेन से। सूट्स मी। मधु, क्या हुआ मधु? ये शोर कैसा है? चलो यहां से चलते हैं। ये लो। हो क्या गया है मधु, कुछ बताते क्यों नहीं? परेशानी क्या है? ट्रेन के नीचे जिस आदमी ने धक्का दिया था वही बाहर खड़ा है। क्या कह रही है? हाँ शांति,
मैंने अपनी आंखों से उसे धक्का देते हुए देखा है। उसने भी मुझे देख लिया है, शायद इसलिए वो खूनी मेरा पीछा कर रहा है। वहां तो कोई भी नहीं। क्या कह रही है? तो सच कह रही है तूने उसे देखा था? हाँ शांति, हमें अभी पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। कौन मधु? अभी बुलाती हूँ। मधु, तुम्हारा फोन है। जरूर उसी का फोन है, तू डरना नहीं मधु, जो कुछ कहे चुपचाप सुन लेना, बाद में फैसला करेंगे क्या करना है। जाओ। हेलो। हेलो स्वीटहार्ट, आधा घंटा रह गया, फौरन तैयार हो जाओ, मैं इंतजार कर रहा हूँ। सुना किशन? कोई दलील नहीं, कोई अपील नहीं, आज से हमारी नई जिंदगी शुरू हो रही है। 3 मिनट तो फोन पे जाया हो गए, हरी अप। ये है मिस चिंचू। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हेयर ड्रेसर एंड ब्यूटिशियन। मेरी महबूबा को ऐसा सजा दीजिएगा कि मेरे डैडी देखते रह जाएं। ओके सर, वेयर इज शी? बस अभी आती ही होगी। देख मधु, किसी गरीब की जिंदगी में ये मोड़ कभी कभी आता है, सोचती रहेगी तो जिंदगी आगे निकल जाएगी और तू बहुत पीछे रह जाएगी। मेरी समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ। तुम्हारे दिल पर अभी अभी जो घटना घटी है उसी का बोझ है ना, भूल जाओ मधु। और वैसे भी मधु, इन लोगों से दुश्मनी मोल लेनी अच्छी नहीं। अगर तुम्हारी जुबान खामोश रही और तुम इनके खिलाफ किसी से कुछ नहीं कहोगी ना, तो ये तुम्हारा पीछा करते करते एक दिन थक कर तुम्हारे रास्ते से हट जाएंगे। मधु, तुम्हारा फोन है। जरूर किशन का ही है, तुम जाओ बात करो, जाओ। हेलो। सिर्फ 20 मिनट रह गए हैं, अगर तुम 10 मिनट में ना आई तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं बहुत जिद्दी हूँ। तुम्हारे 10 मिनट है मेरी मौत या जिंदगी के लिए, जिंदगी या मौत के लिए। ओके। शांति, मैं तो पागल हो गई हूँ। वो कह रहा था अगर 10 मिनट में मैं वहां न पहुंचे तो वो अपनी जान दे देगा। तू भी पगली है, जाती क्यों नहीं, जाना जाना। टैक्सी। हाय मधु, मुबारक हो, पूरे कॉलेज को पता चल गया तुम और किशन शादी कर रहे हो। कुंदन, किशन लिबर्टी डिपार्टमेंटल स्टोर में मेरा इंतजार कर रहा है। अगर 10 मिनट में मैं वहां नहीं पहुंची तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। Will you please give me a lift? Oh, definitely, definitely. 10 मिनट क्या, मैं तुम्हें 10 सेकंड में वहां पे पहुंचा दूंगा। आज तो मौका मिला, आओ आओ। हाँ। ये तुम्हारी बदकिस्मती है कि तुमने मुझे पहचान लिया, और यही पहचान आज तुम्हारी मौत बन गई है। इस इंजेक्शन में सांप का जहर भरा हुआ है, इसका असर लगाने के ठीक 1 मिनट बाद शुरू हो जाएगा, और 10 मिनट के अंदर अंदर तुम इस दुनिया से बेखबर हो जाओगी। तुम्हारी यही बेहोशी तुम्हें मौत के दरवाजे तक ले जाएगी। लेकिन सोना नहीं बीवी, अगर तुम सो गई तो समझना मौत आ गई। All the best. Le chalo isse. इसका क्या हाल है? शराब में इतनी डुबकियां दे चुके हैं कि अब इसका होश में आना मुमकिन नहीं। सर से पांव तक नशे में है। गुड, दोनों को ले जाओ, इसे ड्राइविंग सीट पर और लड़की को पीछे बिठा दो। गाड़ी स्टार्ट करके स्टीयरिंग इसके हाथ में दे दो। 2-3 मिनट के अंदर अंदर अगर यह अपनी मंजिल तक पहुंच गया तो इसकी किस्मत, वरना एक्सीडेंट के बाद
पुलिस यही समझेगी कि ड्राइवर नशे में था। पहले मुझे किशन की बाहों तक पहुंचा दो कुंदन। आज आज तुम्हारी तेज रफ्तारी का इम्तिहान है। मुझे अफसोस है किशन, हम कुंदन को नहीं बचा सके। इंजेक्शन ले आए। वेरी गुड, इस एंटीडोट से मधु को जरूर बचा लेंगे। उसकी जिंदगी और मौत में अब 5 मिनट का फासला रह गया है। कमिला सिस्टर, फॉरन इंजेक्शन तैयार करो, एक एक पल कीमती है। सात बजे के करीब मधु को वो जहर दिया गया था। ऐसे नो, उस जहर के असर से मरीज की 1 घंटे के अंदर अंदर बेहोशी की हालत में मौत हो जाती है। अगर उसने 1 मिनट में आंखें न खोली तो डस यू अंडरस्टैंड। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा मत बोलिए, प्लीज डू समथिंग प्लीज। मधु, तुम मुझे इस तरह अकेला छोड़ के नहीं जा सकती। आज तो हमारी शादी का दिन है और शादी के दिन दुल्हन कभी सोई है? आंखें खोलो मधु, आंखें खोलो, नहीं तो मोहब्बत रो पड़ेगी। मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकूंगा। आंखें खोलो मधु, आंखें खोलो। किशन। हाँ हाँ मधु, मैं तुम्हारे पास ही हूं। बड़ी मुश्किल से तुमसे 2 बातें करने के लिए भगवान से कुछ खड़ियां मांग कर लाई हूं। नहीं मधु, ऐसा मत बोलो, भगवान भी तुम्हें मुझसे नहीं छीन सकता। किशन, होनी को कौन टाल सकता है? नहीं मधु, नहीं। वादा करो किशन, वादा करो, तुम्हारी आंखों में फिर आंसू नहीं आएंगे। तुम एक नई जिंदगी बसाओगे और मुझे तुम सिर्फ गुजरे हुए एक हसीन लम्हे से ज्यादा कभी याद नहीं करोगे। इतना सख्त इम्तिहान ना लो मधु, मैं तो सिर्फ एक इंसान हूं जिसके सीने में धड़कता हुआ दिल और उसने सिर्फ तुम्हें प्यार किया है। मैं चैन से जी तो ना सकी किशन, तुम चाहते हो मैं चैन से मर भी न सकूं। नहीं मधु, नहीं, अपने दिल पर बोझ लेकर ना जाना। देखो देखो, मैं हंस रहा हूं ना, अपनी जिंदगी के सबसे हसीन लम्हे को गुजरते हुए देखकर भी हंस रहा हूं। मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा, हर ख्वाहिश। एक बार, सिर्फ एक बार उस कातिल का नाम बता दो, मेरी जिंदगी को लूटने वाले का नाम बता दो, बता दो मधु। के उसके हाथ पे खुदा हुआ है, मसनगर की 4th बिल्डिंग के तहखाने में उसकी नकली दवाइयां बनाने का कारखाना है। किशन, हा? मेरे मेरे पैरों से जान जा रही है। हा?
किशन, जल्दी मेरे पास आ, मेरे हाथ हाथ नहीं उठ पा रहे हैं। तुम्हारी कसम मधु, ना वो हाथ रहेगा ना उस पे खुदा वाकी की। केके का अड्डा पूरी तरह बर्बाद कर दिया गया है और उसके साथियों को गिरफ्तार कर दिया गया है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि केके हमारे हाथ से बचकर निकल गया। उसके साथियों से सिर्फ यह पता चला है कि वो इस रैकेट का एक मामूली तार था और तार का मेन स्विच कानपुर में है। कानपुर? हां कानपुर। कानपुर तो क्या, कानून काले पानी तक भी उसका पीछा करेगा। वो हमारे हाथ से बचकर कहीं नहीं जा सकता। आपसे बच भी गया तो मुझसे नहीं बचेगा। मैंने भी कसम खाई है, जिस केके ने मेरी मधु की जान ली है मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इस अंधेरे में मेरे लिए बस रोशनी की एक ही किरण बाकी है और वो है केके की तलाश। कहानी बहुत दिलचस्प है दोस्त, फिर भी दुश्मन को कमजोर नहीं समझना चाहिए। फर्ज करो उससे तुम्हारा सामना हो जाता है और वजह इसके कि तुम उसे खत्म कर दो वो तुम्हें मार डालता है, तो क्या इस दुनिया में तुम्हारी लाश पर रोने के लिए कोई है? मेरा मतलब है तुम्हारे घर में कौन कौन है? माँ? माँ तो बचपन में छोड़कर चली गई। बाप? कोई छोटा या बड़ा भाई? छोटा तो नहीं, बड़ा भाई था लेकिन बचपन में जुदा हो गया। तो फिर मेरी मानो, इस खतरनाक इरादे को तुम छोड़ दो। अगर इस जवानी में तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारे बाप का बुढ़ापा बर्बाद हो जाएगा। अगर मैं अपने इरादे में कामयाब ना हुआ तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। बड़े जिद्दी हो दोस्त। तुमने शुरू की थी, खत्म मुझे करनी पड़ेगी।
मैं कौन हूँ क्लास में एक ही कॉलेज में दोनों साथ पढ़ते थे। पढ़ते थे? तो आप क्या कॉलेज छोड़कर नदी में डूबने का रिहर्सल कर रहे थे? नहीं वो। अरे हम सब समझ गए हैं। अरे मंडली, लगता है ये महाशय इम्तिहान में फेल हो गए, इसलिए आत्महत्या कर रहे थे। अच्छा ये बताओ, हमारी दीदी तो पास है ना? हर समय पास है। तुम हमारी दीदी के पक्के दोस्त हो? ये नाता दोस्ती से भी कहीं ज्यादा मजबूत है। अच्छा तो फिर तुम अभी हमारे साथ घर चलो। जब हमारी माँ को ये पता चलेगा कि हम दीदी के दोस्त को साथ लेकर आए हैं, तो उनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। वैसे भी वो हमारी एक्टिंग से बहुत परेशान रहती है। ये है हमारी सवारी, चलो। इसका नाम है धन्ना। वो फिल्म शोले में बसंती की घोड़ी का नाम था धन्नो, इसलिए हमने रख दिया इसका नाम धन्ना, क्योंकि ये बात हुई ना। थोड़ा और इंतजार कर लो कृपाराम जी, बस एक बार मधु डॉक्टर बन जाए तो बस कृपाराम पर राम ही कृपा करेगा। रत्ना महिम, मेरी समझ में ये नहीं आता कि तुमसे तुम्हारी बेटी को डॉक्टर बनने के लिए कौन से डॉक्टर ने कहा था। अरे मैं क्या मर गया था? कृपाराम मैं 30 गांव में क्या 20-20 कोस तक भौंपू है? अगर मुझे मालूम होता ना कि सारा मकान गिरवी रख के तुम मेरी धंधे को चौपट करने वाली हो, तो दुर्गा कसम मैं कभी भौं नहीं करता, नहीं करता। अरे वो तो तुम तब से भौं कर रहे हो कृपाराम जी, जब से तुम्हें पागल कुत्ते ने काटा है। आ गई तू मुर्दा, कहाँ थी कमबख्त, मरने गई होगी उसी नौटंकी के साथ। अब तुझे फुर्सत मिली है निकम्मी। माँ तो बेकार में गुस्सा करती है, एक बार मुझे बस हेमा मालिनी बन जाने दो, फिर देखना ऐसे कई पागल कुत्ते तेरे आगे पीछे दुम हिलाएंगे। क्यों कृपाराम जी, तुम ही बताओ। माँ बेकार में भरोसा किए बैठी है कि दीदी डॉक्टर बनेगी तो हमारा कर्जा उतरेगा,
मैं कहती हूँ मुझे एक फिल्म में चांस मिलने दो, फिर देखना एक ही झटके में हिट हो जाऊंगी। हाँ हाँ हाँ, लेकिन तुम दोनों मुझे क्यों फिट कर रही हो? भैया मेरा पैसा लौटा दो, मेरी जान छूटे। नहीं तो रत्ना बहन याद रखना, सच कहता हूँ तुम्हारी जान आफत में आ जाएंगी। लगता है आज मुझे गब्बर सिंह की एक्टिंग करनी पड़ेगी। ओहो मैं तो भूली गई, तुम वहाँ क्या नारद मुनि की तरह खड़े सुन रहे हो? अंदर आओ, ये है हमारे गांव के वैद्य कृपाराम भाऊ भाऊ, और ये है हमारी माता जी। माँ जी। कौन हो बेटी? माँ जी मैं। रुको 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 रुको, हम तुम्हारा परिचय करा देते हैं अपने ही स्टाइल में। ये महाशय शहर से आए हैं और ये श्रीमान जी उसी विद्यालय में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं जहाँ हमारी प्यारी दीदी मधु पढ़ रही है। तुम जानते हो मधु को? कैसी है मेरी मधु? मेरी बच्ची अच्छी तो है, बस अब तो थोड़े ही दिन रह गए होंगे उसकी पढ़ाई में। वो जल्दी ही डॉक्टर बन जाएगी। वो कब आएगी बोले ना बेटे, वो कब आएगी? तुम बोलते क्यों नहीं? नदी के रास्ते से आए हैं ना, इसलिए इनकी जबान जरा भीग गई है। कृपा राम जी ये भी एक डॉक्टर हैं। दीदी ने अपना असिस्टेंट तो भेज ही दिया, बहुत जल्द यहाँ एक हॉस्पिटल खुलने वाला है। सोच लो तुम्हारा क्या होगा। मेरा तो जो होगा सो होगा ही, तुम लोग सोचो तुम्हारा क्या होगा। अस्पताल बनने से पहले मैंने मकान नीलाम न करवा दिया, तो मेरा नाम कृपा राम नहीं भमाऊ भमाऊ। चलो माँ ये मुसीबत तो गई, अब इनके खाने पीने का कुछ बंदोबस्त करो, मैं धन्ना को खाना खिला के आती हूँ। आपको बहुत परेशान किया होगा इसने, क्या करूँ, फिल्म कंपनी का ऐसा भूत सवार है कि कुछ सुझाई नहीं देता। अंधी हूँ बेटे, तकदीर ही खोटी है। अब तो सारी रही सही उम्मीदें मधु पर है, अपना पेट काट काट कर उसे पढ़ाया लिखाया, अब तो वो डॉक्टर बन जाए तो सारे दुख दूर हो जाएंगे मेरे। माँ जी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मधु। हाँ बोलो। मेरी मधु अच्छी तो है, उसे कुछ हुआ तो नहीं? उसे कुछ हो गया तो? नहीं नहीं माँ जी ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ये कह रहा था कि तकदीर की बात है, मधु और मैंने क्या क्या नहीं सोचा। क्या सोचा था? यही कि हम डॉक्टर बनने के बाद शहर में नहीं किसी गांव में प्रैक्टिस करेंगे, जहां कोई अस्पताल ना हो डॉक्टर ना हो। अब देखिए ना माँ जी, आज मेरा मुकद्दर मुझे यही खींच कर लिया है, लेकिन इस रूप में आऊंगा अकेले आऊंगा, ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। परेशान हो बेटे, कुछ छुपा रहे हो मुझसे, क्या बात है? माँ मैं बताती हूँ ये छुपा क्या रहे हैं, ये इम्तिहान में फेल हो गए इसलिए नदी में डुबकी मार के आत्महत्या करने वाले थे। अरे ये तो अच्छा हुआ कि हमने इनको बचा लिया, और जब दीदी को पता चलेगा कि हम भी कोई काम की चीज है तो वो भी क्या याद करेगी। अरे अभी तक चूल्हा नहीं जला, खाना कब बनेगा? मैं खाऊंगी कब? देखो महाशय ये शहर नहीं गांव है गांव, भूख लगी है तो इस तरह खड़े रहने से यहाँ काम नहीं चलेगा। मैं सब्जी काटती हूँ, माँ आटा गूंथती है, और तुम चूल्हा जलाओ फटाफट। तुम तो किसी और मकसद के लिए निकले थे, लेकिन किस्मत तुम्हें यहां ले आई, ये तुम्हारी मंजिल नहीं, निकल चलो यहां से। तुम्हें तो उस खूनी को तलाश करना है जिसने तुम्हारी सारी खुशियां छीन ली, तुम्हारी हंसी छीन ली, तुम्हारी मुस्कुराहट, तुम्हारा सब कुछ। उठो किशन, इससे पहले तुम रास्ता भूल जाओ, इस चार दीवारी से निकल जाओ किशन। अंधी हूँ ना बेटे, अब तो सारी रही सही उम्मीदें मधु पर, बस वो डॉक्टर बन जाए तो सारे दुख दूर हो जाएंगे मेरे। माँ भरोसा किए बैठी है कि दीदी डॉक्टर बनेगी तो हमारा कर्जा उतरेगा। अस्पताल बनने से पहले मैंने मकान नीलाम न करवा दिया, तो मेरा नाम कृपा राम नहीं। रुक क्यों गए किशन, बता क्यों नहीं देते मधु अब इस दुनिया में नहीं है, तोड़ क्यों नहीं देते इनके सपनों के जाल, इनके सपने तुम्हारे कदमों की जंजीर भी बन सकते हैं। तोड़ दो इस बंदिश को, तोड़ दो। कैसे तोड़ दूं? नहीं कैसे कह दूं?
नहीं कह सकता, नहीं। सुनो गांव वालों, खुशखबरी, आप सब लोगों के लिए खुशखबरी है। गांव में अस्पताल खुल गया है, शहर से नए डॉक्टर आ गए हैं। जिसको कोई भी बीमारी हो वो 3 दिन के बाद यहाँ। 3 दिन के बाद क्यों? डॉक्टर अभी आ गए हैं, अस्पताल का सामान और दवाइयाँ 3 दिन बाद आ रहे हैं। गुरु आपके फैसला करके आना, पतंग को जितनी ढील दो वो उतनी ऊंची उड़ती है। अरे भोला, सच बोला, तूने अकल का ताला अभी तक नहीं खोला। अरे पतंगों की बात कर रहा है, उस डॉक्टर के लिए कुछ सोच। डॉक्टर के लिए? वही तो सोच रहा हूँ गुरु, आपके ऐसा मांजा मारना कि डॉक्टर कटके वही गिरे जहाँ से आया था। हाँ ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा। मैंने सोचा था 2-4 दिन में इसके होश ठिकाने आ जाएंगे, लेकिन ये वो छाती पर मोंग दलने लग गया, टलने का नाम ही नहीं लेता डॉक्टर। आपने याद किया, मैं हाजिर हो गया कृपा राम जी। गुरु ये तो खुद ही आ गया। अरे आ गया है तो जाएगा कहाँ। अरे आओ डॉक्टर साहेब, आज इस गरीब वैद्य के घर की तरफ रास्ता कैसे भूल गए? बस आपकी कुछ मदद चाहिए। हाँ, बोला मैंने क्या कहा था। अरे कोई कब तक इन वलायती दवाइयों से बेवकूफ बनाता रहेगा दुनिया को, आखिर हमारी जड़ी बूटी की शरण में आना ही पड़ेगा। क्या तकलीफ है, मरीज कहाँ है? मरीज आपके सामने खड़ा है। अरे भैया सुनना भाई, दिख लाओ। ये 7,797 रुपए ब्याज के साथ। कृपा राम जी एक रुपया मुझ पर जरूर करिए, माँ जी को ये पता ना चले कि मैंने आपका कर्जा चुका दिया। हाँ अगर मकान के कागजात मिल जाते तो। अरे भैया हमारी रकम हमें मिल गई तो कागजात का हम क्या चार डालेंगे। भोला जा कागजात ले आ, ले आ भाई। एक बात हमारी समझ में नहीं आई, ये चक्कर क्या है? चक्कर? मैं समझा नहीं। अरे भाई जिस घर में डेरा डाला है उस घर में एक सुंदर कन्या भी तो रहती है। कृपा राम जी इतनी कृपा कीजिए कि इसके आगे कुछ मत बोलिए, वरना आपकी हड्डी पसली नरम हो जाएगी। अरे डॉक्टर हड्डी पसली नरम हो जाएगी तो हम तुम्हारा इलाज करवाने नहीं आएंगे। तुम्हारे लिए खाना लाया हूँ। क्या आओ खा लो। अरे पार्टनर मेरी भूख प्यास तो इस अंधेरे ने निगल ली है, कब तक इस कालकोठरी में रहना होगा? बस कुछ ही दिनों की बात है पार्टनर, सब ठीक हो जाएगा। दरअसल बात यह है कि पुलिस इस वक्त बुरी तरह से हमारे पीछे पड़ी हुई है, इसीलिए तो कानपुर छोड़कर हमें यहाँ पना लेनी पड़ी है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम इस अंधेरे से घबरा कर बाहर निकलो और मौत के अंधेरे में खो जाओ। पुलिस ने 75,000 रुपए इनाम रखा है तुम्हारी गिरफ्तारी का। अच्छा? हाँ, अब चिंता छोड़ो और खाना खाओ। शाबाश। जनता टूरिंग टाकिद में आपका जज्बाती अदाकार राजेश खन्ना और ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी का प्रेम नगर आ गया। 100 रुपए में हेमा मालिनी का प्रेम नगर देंगे। रंगीला दिन बीता रंगीली रात आई। राजेश खन्ना हेमा मालिनी का प्रेम नगर। 2 रुपया 2 रुपया 2 रुपया। चंचल? चंचल नहीं, लता कहो छोटे सरकार। छोटे सरकार? हाँ वही प्रेम नगर वाले। ये लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा। लता ये लाल रंग कब मुझे चंचल चंचल मेडिसिन है, ये क्या कर रही हो तुम? हाँ अरे शहजादे कुछ तुम्हें हो गया कुछ हमें हो गया, कुछ हम दोनों को हो गया और कुछ प्रेम चोपड़ा को हो गया। तालियां। उसने बहुत जुल्म किए ना तुम पर, उल्लू का पट्टा। हमारी सितार कहाँ है? हम अभी बजाएंगे, कहाँ है? ये क्या तमाशा है? हा? ये तमाशा नहीं, ये प्रेम नगर है। क्या फिल्म थी, अभी तक नशा छाया हुआ है। मैं उतारती हूँ तेरा नशा अभी। मेरे बच्चे को बेवकूफ बनाकर उससे 2 रुपए छीन कर ले गई। क्या हालत बना दी है मेरे लाल की। अरे वाह चाची, क्या मेकअप किया है तुम्हारे बेटे ने। मैं तो कहती हूँ इसको इसी वक्त इसी हालत में बम्बई भेज दो, वहाँ फिल्म कंपनी में भूत प्रेत का रोल फट से मिल जाएगा। क्या
भूत प्रेत कहती है, मैं तेरी खटिया खड़ी कर दूंगी। अरे वाह चाची, क्या एक्टिंग करती है, बिल्कुल मनोरमा की तरह। मैं तो कहती हूँ तू भी इसके साथ बम्बई चली जा, पहले तुझे भेजूंगी। चाची चाची इतना गुस्सा नहीं, 2 रुपए की बात है, ये लो ये लो। हो गया ना बिना इंटरवल के दिए, अब जाओ जाओ जाओ। ये 2 रुपये उधार रहे। अरे हाँ, दीदी आएगी तो सूद समेत वापस कर दूंगी। सुनो, किसने पुकारा हमें, बोलो फरियादी। तुम अपनी दीदी को बहुत चाहती हो, बहुत प्यार करती हो। हाँ, इसमें क्या शक है। तो फिर तुम बचपना छोड़कर कोई अच्छा काम क्यों नहीं करती, ये फजूल की बातों में वक्त जाया करने के बजाय। तुम एक अच्छी स्टूडेंट हो, फिजूल की शरारतों में वक्त जाया करने के बजाय अगर तुम इसी वक्त की कदर करो तो। अरे वाह, हमारे सामने एक्टिंग शुरू। अगर एक्टिंग का इतना ही शौक है तो हमें गुरु मान लो, हम ऐसी एक्टिंग सिखा देंगे कि बस। चंचल, बड़ी अजीब चीज है ये एक्टिंग। जिंदगी में कभी कभी इंसान को असली चेहरे पर नकली चेहरा लगाना पड़ता है, आंसू पीकर भी मुस्कुराना पड़ता है। ना जाने इस एक्टिंग में इंसान को कितनी बार जीना पड़ता है, कितनी बार मरना पड़ता है। बस बाबा, अब मुझसे एक कदम भी नहीं चला जाता। यहाँ किस कमबख्त से चला जा रहा है, अजीब आदमी है किशन भी। चिट्ठी लिख के बुलवा तो लिया, सब सामान भी मंगवा लिया, खुद तो स्टेशन पर नहीं आया, ना किसी को भेजा। इतने भारी बकरे उठाकर तो दम निकल गया। अगर सूरज डूब गया तो रात यही गुजारनी पड़ेगी। और मैंने सुना है ऐसे उजाड़ बियाबान में भूत प्रेत भी रहते हैं। भूत प्रेत, तुमने कुछ सुना? क्या क्या नहीं। अरे ये तो कोई गाड़ी, लिफ्ट लिफ्ट लिफ्ट, इधर इधर लिफ्ट। ए रुक जा धना, क्यों जी अंगूठा क्यों दिखा रहे थे? जी बात ये है, तुमने सच कहा था। अरे थरथरी क्यों छूट रही है, बैठो पहुंचो ही देते हैं। आज तुम क्या पहुंचाओगी, हम तो पहुंचे पहुंचाए हैं। टंपो अच्छा अब समझी, चोरी का माल हमारे मथे डालकर हमें हथकड़ी लगवाना चाहते हो। अरे ऐसे चक्कर तो हम बहुत फिल्मों में देख चुके हैं। अबे बच्चू जाओगे कहाँ, चल धन्ना, आज तेरी चंचल की इज्जत का सवाल है, चल। समझ में नहीं आता, हमसे पहले ये मधु का भूत इस गांव में कैसे पहुंच गया। मैं तो कहती हूँ यहीं से वापस चलो। अरे मेरे होते हुए तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है पगली। अच्छा मैं तो तुम्हारे लिए कह रही थी, सबसे पहले तो तुम ही भागे थे उसे देखकर। अच्छा अच्छा अब नहीं भागूंगा, चलो चलकर सामान ले ले, नहीं तो भूतनी आकर ले जाएगी। चलो ए मेरी माँ। अरे वो क्या है, मधु अस्पताल आखिर पहुंच ही गए। आजा आजा चलो 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 चलो, यहाँ रख यहाँ रख। अरे भगवान, ओहो, अरे भाई, अरे कोई है किशन, पहुंच ही गए मैं तो कहता हूँ। ये दोनों चोर हैं, चोरी का माल हमारे सर में बांध कर भाग गए थे। नहीं अब बचकर कहाँ जाओगे, अभी तुम दोनों का हथकड़ी लगाती हो। अरे अरे ये चोर नहीं, ये तो मेरे दोस्त हैं। हाँ फिर ठीक है, यही तो है जो शहर से सामान लाने वाले थे। मगर ये तो कल आने वाले थे ना। हाँ मगर तुम तो कल आने वाले थे ना, आज तो शुक्र है शनिचर तो कल है। मैं भी तो इनसे यही कह रही हूँ कि शनिचर तो कल है। शनिचर तो कल है, अरे छोड़ो शनिचर के चक्कर को, पहले ये बताओ कि ये चंचल है, चंचल है, चंचल अपनी मधु है ना, वो है मधु की जुड़वा बहन है ये चंचल। ओह चंचल अब समझ में आया। कुछ नहीं समझो, अंदर आ समझा। अच्छा हमें ये बताओ
तुम हमें देखकर भागे क्यों? हमारी सूरत क्या भूतों जैसी है? नहीं नहीं नहीं, तुम तो बिल्कुल हेमा मालिनी दिखाई देती हो। ये हुई ना बात। तुम जिंदगी में पहले आदमी हो जिसने हमारे सामने सच्ची बात कही है। जी। चलो इसी खुशी में हमारी नाटक मंडली की तरफ से हम तुम दोनों को दावत देते हैं। दावत? हाँ, इस हॉस्पिटल खुलने की खुशी में हमने एक नया प्रोग्राम रखा है। अच्छा, आओगे ना? आना ही पड़ेगा क्या? अरे आओगे कैसे नहीं, आएंगे कैसे नहीं, आएंगे। जी ने घर बनवाया कैसा तंग निगोड़ा।
क्या तूफान आया जो इतनी जोर जोर से चिल्ला रही है? तूफान? अरे हाँ तूफान ही तो आया है। अखबार में लिखा है बदलापुर की नदी में फिर जोर का तूफान आया है। एक कश्ती जिसमें बहुत सारे डॉक्टर और नर्सें थी, वही ना मामा सेवा करने के लिए गए हुए थे ना, वो डूब गई। ना कश्ती का पता है ना उनका। हे भगवान, मेरी मधु, मुझे मेरी मधु के पास ले चल बेटी, अभी इसी वक्त। मेरा दिल धड़क रहा है, अगर मेरी बच्ची को कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगी। चंचल, अभी मुझे स्टेशन ले चल। माँ जी, कहाँ जा रही हैं आप? तूने कुछ सुना बेटे? बदलापुर में फिर जोर का तूफान आया है, अपनी मधु भी तो वही है। चल बेटे, ये चंचल के बस का काम नहीं, तू ही मुझे अपने साथ वहां ले जा। आप बेकार में परेशान हो रही है माँ जी, तूफान जरूर आया था लेकिन आपकी बेटी मधु को कुछ नहीं हो सकता। अभी अभी चिट्ठी आई है उसकी। चिट्ठी? हाँ, लिखा है, माँ मैं यहाँ बहुत मजे में हूँ, बाढ़ में जो लोग जख्मी हुए उनकी सेवा करने में जो आनंद आ रहा है वो मैं बयान नहीं कर सकती। दो दिन पहले यहाँ एक बहुत बड़ा हादसा हुआ, पर तेरे आशीर्वाद से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी कोई चिंता मत करना, चंचल को प्यार, तुम्हारी मधु। तूने सुना चंचल, मेरी मधु बिल्कुल ठीक है, तूफान आया और मेरी मधु को छुए बगैर ही गुजर गया। जल्दी से लड्डू ले आ, मैं आज प्रसाद बांटूंगी। अच्छा माँ। मधु, आज तुम्हारी माँ पूरे गांव में तुम्हारी जिंदगी के लिए प्रसाद बांट रही है। अब तुम्हें बताओ मैं क्या करूं, कब तक इस झूठ को छुपाए रखूं? मैं कैसे बता दूं कि जिस बेटी के लिए माँ अंधेरे में भी आंखें बिछाई बैठी है वो तो खुद अंधेरे में गुम हो चुकी है। मैं कैसे बता दूं, मैं कैसे बता दूं, वो तो कब की इस दुनिया से जा चुकी है। डॉक्टर बाबू, सच है क्या दीदी अब इस दुनिया में नहीं है? क्या दीदी मर चुकी है? दीदी चंचल, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? क्यों बहलाते रहे माँ को झूठी चिट्ठियों के सहारे, झूठी तसल्लियों के सहारे? क्यों, किस लिए? मैं पूछती हूँ किस लिए? सुनना चाहती हो तो सुनो। इस झूठ के सहारे मैं माँ की गिरती हुई जिंदगी की दीवार थाम लेना चाहता था। इसी झूठ के सहारे वो जो आस लगाई बैठी है मधु की, मैं नहीं चाहता था कि वो आस की डोर टूट जाए। जानती हो उनके चेहरे की हर शिकन के पीछे तपस्या की दास्तान है। वो अपना सब कुछ खोकर थोड़ा सा सुख ही तो पा लेना चाहती थी, क्या मैं वो भी छीन लेता? नहीं चंचल, नहीं, एक सच की खातिर मैं अपनी मधु की आत्मा को परेशान नहीं कर सकता था। तुम्हारी मधु? क्या तुम? हाँ, बहुत प्यार किया उसे चंचल, बहुत चाहा है, बहुत पूजा है। उसकी मौत के बाद शायद मैं भी अपनी जान दे देता, लेकिन मधु के खूनी के खून से अपने हाथ रंगे बगैर मैं मधु के पास कैसे जा सकता था? खूनी? इसलिए उसकी तलाश में निकल पड़ा। तकदीर का मोड़ मुझे यहां ले आया, तुमसे मुलाकात हुई, माँ जी को देखा और फिर सोचा जो काम मधु अधूरा छोड़ गई है उसे पूरा कर दूं तो शायद। लेकिन ये राज माँ से कब तक छुप सकेगा? एक ना एक दिन तो पता चल ही जाएगा, जानता हूं, लेकिन वो दिन आने से पहले एक ही तमन्ना है, माँ की आंखें अच्छी हो जाए। शायद तुम्हारी सूरत में मधु की परछाई देखकर वो जिंदगी के बाकी के दिन भी अच्छी तरह गुजार सके। मैंने अच्छा किया या बुरा किया मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जानता हूं कि तुम्हें पूरी आजादी है। तुम चाहो तो अभी इसी वक्त जाकर मां से सब कुछ कह सकती हो, सब कुछ कह सकती हो। मधु, मैंने तो पूरी कोशिश की थी अपना फर्ज निभाने की, लगता है मेरी तपस्या में कुछ कमी रह गई है। किशन, 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 जल्दी चलो,
पुराने कुएं के पास वाले मकान में एक औरत बेचारी बुखार से तड़प रही है। और क्या सोच रहे हो, उसकी जिंदगी का सवाल है किशन, जल्दी चलो। अभी चलता हूं। चलो मैं बैग लेके आता हूं। आओ किशन, ये नहीं, हट जाइए आप लोग, हट जाइए आप लोग, हट जाइए। देखिए डॉक्टर साहब, कब से बेहोश पड़ी है, इसकी जिंदगी बचा लो किशन भैया, बेचारी का दुनिया में कोई नहीं है। सिरिंज तैयार करो। हाँ आओ। तुम लोग जाओ, अगर आधी रात तक बुखार ना उतरा तो दूसरा इंजेक्शन देना पड़ेगा, मैं यही ठहर। नहीं, नहीं नहीं, तुम जाओ किशन, हम संभाल लेंगे। कह दिया तुम लोग जाओ। क्या बात है किशन, कुछ परेशान हो? हाँ नहीं तो, परेशान प्लीज गो प्लीज। अच्छा माँ, मैं जा रही हूं, नहीं तो यहां मेरा दम घुट जाएगा, अब मैं वापस नहीं आऊंगी। तुम समझना, तुम्हारी बेटी मर गई। चंचल। हाँ हाँ मर गई कलमू ही, मुझे तो पहले से उसके लक्षण मालूम थे। फिल्म कंपनी के भूत ने उस स्टूडेंट को पागल बना दिया था। अच्छा हुआ भाग गई, अच्छा ही हुआ। किशन हाँ? चंचल, चंचल क्या हुआ चंचल को? घर छोड़कर भाग गई है, ये चिट्ठी छोड़ गई है। मगर ये कैसे हो सकता लिली, ब्रिजमोहन मेरा पार्टनर है। यकीन करो केके, ब्रिजमोहन तुम्हारी जिंदगी की कीमत लगा चुका है। व्हाट, क्या बोल रही हो तुम? बहुत पहले से मैं खबरदार करने की कोशिश कर रही थी, आज मुश्किल से मौका मिला है। किसी वक्त तुमने मुझ पर इतने एहसान किए थे कि मैं। फॉरगेट अबाउट दैट, कम टू द पॉइंट। तुम किसी भी तरह ब्रिजमोहन के फंदे से निकल जाओ केके, क्योंकि उसकी नजर तुम्हारे बॉम्बे ब्रांच के प्रॉफिट के उस 5 करोड़ रुपए पर है जो तुम्हारे कब्जे में है। अपने आप को बचा लो केके, फॉर गॉड्स सेक। घबराओ नहीं लीली, तब तक ब्रिजमोहन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता जब तक वो रकम मेरे कब्जे में है। और वो 5 करोड़ की रकम इस वक्त कहां है मेरे सिवाय और कोई नहीं जानता। क्या बात है, दिन पर दिन निखरती जा रही हो लिली डार्लिंग। आज अचानक इतना प्यार किस लिए? जो प्यार के काबिल हो उसी से प्यार किया जाता है। जिंदगी में सिर्फ 2 हस्तियों से प्यार किया है, एक तुमसे और एक अपने पार्टनर से। आओ के, अब तो तुम बिल्कुल बदले हुए से लगते हो। बदलने में किसी को क्या देर लगती है ब्रिजमोहन। आज तो तेवर ही बदले हुए हैं, कभी सेठ कहते थे कभी पार्टनर, आज सीधे नाम पर ही उतरा। करियर तो है। कम टू द पॉइंट, तुमने मुझे बुलाया क्यों है? अकेले अकेले महफिल जमा लेते हो पार्टनर, बुरी बात। कल रात जो तुम ठुमरी सुन रहे थे ना, मैंने चुपके से रिकॉर्ड कर ली, दोबारा सुनोगे? क्या आवाज है कमबख्त की। तुम किसी भी तरह ब्रिजमोहन के फंदे से निकल जाओगे की, नजर तुम्हारे बॉम्बे ब्रांच के प्रॉफिट के उस 5 करोड़ रुपए पर है जो तुम्हारे कब्जे में है। अपने आप को बचा लो केके, फॉर गॉड सेक। नो नो, बड़ी जल्दी केस में जाने में, अभी तो गजल शुरू हुई थी। गजल नहीं ब्रिजमोहन, अब तो ड्रामा शुरू होने वाला है, क्योंकि मैंने तुम्हारी असलियत जान ली है। तुम नादान हो केके, तुम अभी भी मेरी असलियत को नहीं जान पाए। आगे सुनो। और वो 5 करोड़ की रकम इस वक्त कहाँ है मेरे सिवा और कोई नहीं जानता। बस यही जाना। भागो इसे, भागो। ले बाबा, ये 2 दिन की दवाई है, जैसे बताया वैसे पीते रहना, समझ गए? अभी तुमको गोली देता हूँ, यहीं ठहरो। नमस्ते डॉक्टर साहब। अरे आपको तो 4-5 दिन आराम करना चाहिए था, अब यहाँ चलिए। आपको देखे बिना दिल नहीं माना,
आपने मुझे नया जीवन दिया है, ये फल लाई हूँ आपके लिए। अच्छा, फीस तो दी नहीं, अब रिश्वत देने चली आई हैं? मैं गरीब भला किसी को क्या दे सकती हूँ। उस रात आपने इतनी सेवा की, कोई अपना भी होता तो न करता। ये क्या आपकी तो आंखें भर आईं। मैंने कोई एहसान नहीं किया, मैं एक डॉक्टर हूँ, मैंने जो कुछ भी किया अपना फर्ज निभाया। वो अलग बात है कि आपने अपना समझ कर मान लिया। अगर आपकी जगह कोई दुश्मन होता तो मैं अपना फर्ज ही निभाता। आइंदा कभी भी जरूरत पड़े मैं हाजिर हूँ। ये लीजिए डॉक्टर, नमस्ते। नमस्ते डॉक्टर साहब, आपके नाम तार आया है। ये तार, खैरियत तो है? आज 6 बजे की गाड़ी से मधु आ रही है। ओ, है? कौन आ रही है? मधु आ रही है? क्या बात कर रहा यार? है यार, ये क्या पहेली है? जिंदगी तो खुद एक पहेली है, लेकिन लगता है कोई पहेली आज किसी की जिंदगी बनकर आ रही है। कहाँ चले गए थे तुम? चंचल की राग को गंगा में बहाने गई थी, क्योंकि चंचल की मौत के बिना अब मधु को जिंदगी नहीं मिल सकती। वैसे भी चंचल की जिंदगी थी भी क्या डॉक्टर साहब, सब परेशान थे, आप, माँ, पूरा गांव। चलो इसी बहाने वो किसी के काम तो आई। क्या सोच रहे हैं, मैं अब भी एक्टिंग कर रही हूँ? हाँ डॉक्टर साहब, है तो एक्टिंग ही। एक दिन आपसे कहा था ना, एक्टिंग सीखनी है तो मुझे अपना गुरु मान लो। लेकिन आज आपके पांव छूकर आशीर्वाद मांगती हूँ। इस इम्तिहान में आपके बिना एक कदम भी नहीं चल सकूंगी। तुम खुद नहीं जानती तुम कितना बड़ा काम कर रही हो चंचल। चंचल वो तो मर चुकी है डॉक्टर साहब, मधु को उसकी माँ के पास ले चलिए। चलो। मैं आ गई। कौन? मैं मधु हूँ। मेरी बेटी मधु, तू आ गई। माँ, तूने उस चुड़ैल चंचल के बारे में सुना? किशन बाबू ने मुझे सब कुछ बता दिया है, तुम उसे भूल जाओ। माँ अब मैं आ गई हूँ ना, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। बस तेरे ही आश्रय जी रही थी बेटी, तू आ गई, मुझे सब कुछ मिल गया। वादा कर, अब तू मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएगी। नहीं माँ, अब मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी। नहीं चिंता, मेरे पास बैठो, बरसों बाद तुम्हें देखा है, फिर मौका मिले ना मिले एक बार तुम्हें जी भर कर देख लूं तो अपने गुनाहों की माफी मांग लूंगा। और यहां तक, इसके बाद इस नॉब को यहां बंद कर दो और जरा स्टेटोस्कोप लाना चिंचन। आप अच्छी तरह जानते हैं मेरा नाम चंचल नहीं है। ओ, क्या हुआ? मैं आपको परेशान तो नहीं कर रही हूँ? लगता है ये सब कुछ सीखने में कुछ कमी रह गई है। कमी तुम में नहीं, ना जाने मुझे कभी कभी क्या हो जाता। रात बहुत हो गई, तुम जाके सो जाओ। और आप? मैं भी सो जाऊंगा, कुछ पल तन्हाई में गुजारने के बाद। एक बात पूछूं, आप दीदी को बहुत प्यार करते थे ना, क्या वो कमी कभी पूरी नहीं हो सकती? हो सकती है, जिस दिन। जिस दिन क्या? जिस दिन मैं तुम्हारी दीदी के सामने जाने के काबिल हो जाऊंगा, और वो दिन उसी दिन आएगा
जिस दिन मेरी आंखों के सामने तुम्हारी दीदी का कातिल होगा। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब मेरे पति। आपके पति? उनकी हालत बहुत खराब है, क्या इसी वक्त आप मेरे साथ चल सकते हैं? क्या हुआ उन्हें? आप खुद ही चलकर देख लीजिए ना, जल्दी कीजिए, नहीं तो वो। नहीं आप घबराइए मत, मैं अभी चलता हूँ। ये खूनी, ये तुम्हारा पति है? आप इन्हें जानते? इसे कैसे भूल सकता हूँ मैं, जिसने मेरा सुख, मेरा चैन, मेरी जिंदगी की हर खुशी बर्बाद कर दी हो, इसे कैसे भूल सकता हूँ? अरे इसे कैसे भूल सकता हूँ, जिसने मेरी महबूबा के हाथों में मेहंदी लगने से पहले ही अपने हाथ उसके खून से रंग लिया, इसे कैसे भूल सकता हूँ? इसने तो मेरी महबूबा को सुहागन बिना बनने दिया, और आज आप अपनी सुहाग की जिंदगी मांग रही है मुझसे। अरे मैं कहता हूँ हट जाइए मेरे सामने से। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, मैं आपको इनकी जिंदगी बचाने के लिए आई हूँ, ऐसा जुल्म मत कीजिए मुझ पर। जुल्म? तुम्हें क्या पता इस वक्त इसे अपने सामने देखकर मेरे दिल पर क्या बीत रही है, कितना तड़पाऊं मैं इस दिन के लिए, कितना इंतजार किया मैंने इस पल के लिए। इस वक्त दुनिया की कोई ताकत मुझे नहीं रोक सकती, ना तुम्हारे आंसू, ना तुम्हारी कोई फरियाद, ना तुम्हारा कोई रिश्ता। ठीक है, मेरे पति जैसे भी है वो मेरे पति है, आप इनकी जिंदगी लेना चाहते हैं ना, तो जाइए अपने हाथों से इनका गला घोट दीजिए, खत्म कर दीजिए इन्हें, बुझा लीजिए अपने बदले की प्यास, लेकिन इन तक पहुंचने से पहले आपको मेरी लाश में से गुजरना होगा। ले लीजिए, खत्म कर दीजिए मुझे। सोच क्या रहे हैं आप, मार डालिए मुझे। याद है एक दिन आपने कहा था आप एक डॉक्टर हैं, आपका फर्ज जिंदगी देना है, किसी की जिंदगी लेना नहीं, चाहे वो आपका दुश्मन ही क्यों ना हो। आप अपना फर्ज भूल सकते हैं डॉक्टर, लेकिन एक पत्नी अपना फर्ज कभी नहीं भूल सकती। मैं अपनी आंखों के सामने अपने पति की मौत नहीं देख सकती। मार डालिए मुझे, मार डालिए। फर्ज के सामने इंसान कभी कभी कितना मजबूर हो जाता है। एक डॉक्टर होने के नाते मैं अपना फर्ज पहले निभाऊंगा, आपके पति और अपने दुश्मन की जान बचाने की कोशिश करूंगा, लेकिन एक बात याद रखिए, एक फर्ज निभाने के बाद मुझे एक फर्ज और निभाना होगा, इस मुजरिम को कानून के हवाले करना होगा। चाहिए जल्दी से गर्म पानी ले आइए। काफी हद तक फैल चुका है, इस इंजेक्शन से होश आ जाना चाहिए, अगर आप चाहें तो जाकर आराम कर सकती है। नहीं, मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगी। आप फिक्र मत कीजिए, मैंने वादा किया है मैं कोई ऐसा कदम नहीं उठाऊंगा जिससे मेरे पेशे पर हर्फ आए। डॉक्टर साहब, क्या सचमुच होश आने के बाद आप इन्हें? मैं मजबूर हूं। मजबूर? हाँ। पहले बाबा भी मजबूर थे बेटी का बोझ हल्का करने के लिए मेरी शादी इनके साथ कर दी, दूसरे ये भी मजबूर थे जो मुझे अकेला तड़पता छोड़कर न जाने कहां चले गए, फिर मैं भी मजबूर थी जो आज तक इनके लौटने की आस लगाए बैठी रही, और अब आप भी मजबूर हैं। डॉक्टर साहब, ये जख्म तो और बिगड़ता जा रहा है, इंजेक्शन। इनकी जान बचाने के बजाय आप हंस रहे, क्या हो गया आपको? मैं हंस रहा हूं, मैं इसलिए हंस रहा हूं कि ये इंजेक्शन भी इन्हीं का बनाया हुआ नकली है। जिस तरह एक दिन मेरी मोहब्बत इनके बनाए हुए नकली इंजेक्शन का शिकार हो गई थी, उसी तरह आज ये अपने बनाए हुए जाल में खुद शिकार हो गए हैं। नहीं डॉक्टर, किसी भी तरह मेरे पति को बचा लीजिए। हाँ, एक उपाय है, इससे पहले कि जहर पूरे बदन में फैल जाए इनका ये हाथ काटना होगा।
चुके कि अब वक्त आ गया है, तुम्हें अपने एक एक जुल्म का हिसाब देना होगा। डॉक्टर साहब। अच्छा तो ये डॉक्टर है, उस दिन तू मेरे हाथ से बच गया था, लेकिन तूने बदला लेने के लिए मेरा दाएं हाथ मुझसे जुदा कर दिया। आज तुझे खत्म करने के लिए मेरा बायां हाथ ही काफी है। नहीं, इनकी बदौलत आपको जिंदगी मिली है, मैं आपको इनकी जिंदगी से नहीं खेलने दूंगी। अपनी जिंदगी बचाने के लिए मुझे इसकी जिंदगी को खत्म करना ही होगा। हट जाओ मेरे सामने। तुम हमारी हिरासत में हो, हथकड़ी लगा दो। डॉक्टर साहब, आपकी वजह से खतरनाक कातिल गिरफ्तार हो सका, कानून इसके लिए आपका शुक्रगुजार है। ले चले से। अब बोलो पार्टनर, क्या इरादा है? कैसा इरादा? देखो के ले दे के सिर्फ वही एक सरमाया बचा है हमारे पास, अगर तुम साथ दो तो हम नए सिरे से जिंदगी शुरू कर सकते हैं। अपनी जिंदगी शुरू करने से पहले अगर तुम चाहो तो मेरी जिंदगी खत्म कर सकते हो, लेकिन अब मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। अच्छा, और याद रखो उस पैसे पर तुम्हारा कोई हक नहीं। ओहो, मेरा हक जानना चाहते हो? अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए मेरे पास और भी कई रास्ते हैं। ले जाओ उसे। ओके बॉस। देख रहा हूं तुमने अपने आप को बिल्कुल बदल डाला। हाँ, बदलने की कोशिश कर रही हूं डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब नहीं, किशन। उस नटखट चंचल लड़की को कभी इस रूप में भी देखूंगा नहीं सोचा था। और मैंने भी कभी नहीं सोचा था, कितने महान हो तुम, हमारे लिए, हमारे घर के लिए, माँ की तमन्नाओं के खातिर तुमने अपना सब कुछ त्याग दिया। तुम्हारे जैसा इंसान तो पूजा के काबिल है। तुमने कुछ कहा? नहीं तो? ओह, मैंने समझा कि तुमने कुछ कहा। कितनी सुंदर जोड़ी है। ओफो, क्यों खामखा नजर लगा रही हो चाची? हाय हाय, मैं कहाँ नजर लगाने लगी? देखा, मेरी बात पे तो होली के ढोल बजने लगे। रंग भरे मौसम से रंग चुरा के रंग भरे मौसम से रंग चुरा के आ देखूं तेरी मांग में सिंदूर सजा के रंग भरे मौसम से रंग चुरा के देखूं तेरी मांग में सिंदूर सजा के रंग भरे मौसम से रंग चुरा के आ देखूं पिया मैं तेरी तस्वीर बना के रंग भरे मौसम से रंग चुरा के बड़ा हूँ मैं बेचैन बड़ी हूँ मैं बेताब बड़ा हूँ
रस्ता देख रहा हूँ। मेरे बस में नहीं ले चल मुझे नैनों की डोली में बिठा के, डोली में बिठा के, रंग भरे मौसम से रंग चुरा के, आ देखूं तेरी मांग में सिंदूर सजा के, सिंदूर सजा के, रंग भरे मौसम से रंग चुरा के। जल्दी से जल्दी मेरी बच्ची को अपना लो, कहने वालों की जबान हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। तुम कुछ कहते नहीं हो? हाँ, नहीं तो कुछ भी तो नहीं। मधु को चाहते हो ना तुम? मेरी जिंदगी का तो दूसरा नाम मधु है माँ जी। तो फिर देर किस बात की है बेटे, कहो तो आज ही पंडित जी को बुलवा भेजू। आज अभी तो बहुत से काम अधूरे हैं, आपकी आंखों का ऑपरेशन भी करवाना है। एक बार आपकी आंखों से अंधेरा दूर हो जाए तो हर मुश्किल आसान हो जाएगी, आपके लिए भी मेरे लिए भी। माँ जी, जिस दिन आप अपनी आंखों से सब कुछ देख सकेंगी वही दिन मेरे लिए आपके आशीर्वाद का दिन होगा। सुनिए, जो कुछ भी हुआ उसमें मेरी भी थोड़ी सी भूल है। एक्टिंग करते करते यही भूल गई थी कि मैं मधु नहीं हूं, मधु की परछाई हूं। और परछाई में कोई आत्मा नहीं होनी चाहिए, कोई अरमान नहीं होना चाहिए, कोई दर्द नहीं होना चाहिए। वो तो एक साया है, वो चाहे भी तो अपनी खुशी के एक पल के लिए भी किसी को मजबूर नहीं कर सकता। वक्त की किसी करवट से अचानक नदी के दो किनारे एक हो गए थे, शायद इसीलिए तूफान आया। आप पर अभी कोई बंदिश नहीं है, कोई मजबूरी नहीं है। माँ ने जो कुछ भी कहा वो भी जरूरी नहीं है। आप चाहे तो अभी जाकर माँ से ये भी कोई जरूरी नहीं है। आज कितने दिनों बाद
छोटे मालिक घर लौटे मालिक, और संजोग की बात है आज मैंने भिंडी बाजार वाली भिंडी बनाई है। वाकई रामू, देख रहा हूँ ये सब संजोग की बात है। डैडी, माँ जी की आंखों के ऑपरेशन के लिए मैंने डॉक्टर दस्तूर से अपॉइंटमेंट ले ली है, कल इन्हें लेके जाना। मैं भी आपके साथ चलूंगी। हाँ क्यों नहीं, तुम दोनों जाओ, मधु भी तो डॉक्टर है। जब दो डॉक्टर मिलकर तीसरे डॉक्टर का गहराव करेंगे तो वो बेचारा बचकर कहाँ जाएगा। मेरे लिए आप लोग कितनी तकलीफ उठा रहे हैं। ये क्या कह रही हैं आप, वो इंसान ही क्या जो वक्त पर किसी के काम ना आए। डॉक्टर ने माँ जी को एग्जामिन कर लिया और हॉस्पिटल में दाखिल भी कर लिया। आपको विश्वास है माँ की आंखों को रोशनी मिल जाएगी? यही तो इम्तिहान की घड़ी है चंचल, तुम्हारे लिए भी मेरे लिए भी। तू? नमस्ते सेठ जी, नमस्ते। आज बरसों के बाद आपके दर्शन कर रहा हूँ। नमक हराम कमीने, कहाँ है मेरा बेटा, वो जिंदा भी है या नहीं बता। जिंदा है मालिक, और बड़े ठाट से जिंदा है, और आजकल तो बड़े चर्चे हैं उसके। यही खुशखबरी सुनाने तो आया हूँ आपके पास। मगर वो है कहाँ? ब्रजमोहन, एक बार मुझे मेरे बच्चे से मिला दे, मैं तेरे सारे कसूर माफ कर दूंगा। आप खुद ही देख लीजिए। के इसकी गिरफ्तारी का 75,000 रुपए इनाम। ये है मेरा बेटा? जी हाँ मालिक, अब आप ही कहिए। बरसों तक मैंने उसे अपने सीने से लगा कर रखा, इतना बड़ा धंधा सिखाया, और आज वही मुझे चोट दे रहा है। मेरे 5 करोड़ रुपए दबाकर बैठा है, इसलिए मुझे आपकी शरण में आना पड़ा। मालिक, अब तो आप ही मेरा बेड़ा पार कर सकते हैं। एक बार पहले भी तुमने मुझे धोखा दिया, रकम लेकर मेरा बेटा वापस नहीं किया, अब मैं तुम्हारी बात का कैसे यकीन कर लूं? इतना चांस तो लेना ही पड़ेगा मालिक। ठीक है, तुम यहीं ठहरो, मैं अभी आता हूँ। जाना कहाँ होगा? ज्यादा दूर नहीं, बस यही खपोली के पुराने खंडर तक। छोटे सरकार, मालिक को उठाकर ले गए खपोली के पास पुराने खंडर में। इनसे मिलो के। पहचाना? नहीं पहचाना? इसे कहते हैं कलयुग। रामायण का जमाना होता तो एक बेटा अपने जन्म देने वाले को देखकर इस तरह निगाह नहीं फेर लेता। ब्रजमोहन, अगर तुम ये समझते हो कि तुम्हारे कहने पर मैं इसे अपना पाप मान लूंगा और तुम्हारे सामने घुटने टेक दूंगा तो ये तुम्हारी भूल है। ओ ऐसा? अब तो सिर्फ तुम्हें ही कुछ करना पड़ेगा। अगर तुमने ये साबित नहीं किया कि तुम इसके बाप हो तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। मुझे अपनी जिंदगी की परवाह नहीं बेटे, मगर मरने से पहले मैं तुम्हारे दाहिने हाथ की कलाई देखना चाहता हूँ। क्यों? इसलिए कि एक बार बचपन में मैं अपने कपल को मेले ले गया था और अपने सामने उसी कलाई पर केके खुदवाया था। यादें मिट सकती हैं लेकिन नाम के निशान नहीं मिट सकते। तुम्हारा हाथ कट गया पिताजी। कट गया पिताजी। थैंक गॉड, मेरी गोली जाया होने से बच गई। मैं तुम बाप बेटे को थोड़ा सा वक्त और देता हूँ, मुझे वो 5 करोड़ रुपए चाहिए, समझे? चलो।
मैं तो भूल ही गया कि तेरा एक ही हाथ है। अब मैं भी एक ही हाथ से तुझे मौत के कदमों तक ले जाऊंगा। कमीने ठहर। क्या तू पहले कम गुनाह कर चुका है जो आज मेरे बाप की जान का प्यासा बन गया? किशन, ये क्या कर रहे हो? नहीं डैडी, आप नहीं जानते कितने जुल्म किए हैं इसने मुझ पर। आज मैं इसके तमाम जुल्मों का बदला इसके खून से चुका दूंगा। अरे क्या लगता है इसके खून से? तू छोड़ दे, छोड़ दे। उठो उठो, अपने खून का ना चाहता है। जानते हो ये कौन है? ये मेरा खोया हुआ कपिल है, तुम्हारा भाई। भाई? भाई नहीं किशन, नहीं, मैं तुम्हारा भाई नहीं, मैं तुम्हारा मुजरिम हूं। जो जुर्म मैंने किए हैं उसका इंसाफ दुनिया की किसी कानून की किताब से नहीं हो सकता। किशन मेरे भाई, अपने हाथों से मेरा गला घोट दे, मैं मरना चाहता हूं, अब मैं जीना नहीं चाहता। जीना तो तुम्हें पड़ेगा ही केके, वरना मेरे 5 करोड़ का क्या होगा? हाँ तुम्हारे भाई ने यहाँ पहुंचकर मेरी मुश्किल को और आसान कर दिया। केके, अगर सबकी जिंदगी चाहते हो तो आप भी बता दो कहाँ छुपा रखा है वो 5 करोड़ रुपया, वरना चारों तरफ नजरें घुमाकर देख लो, मेरे एक ही इशारे से तुम्हारे सारे खानदान का किस्सा तमाम हो सकता है। ब्रजमोहन, तुम जैसे कमीने इंसान का भरोसा ही क्या? अगर मैं तुम्हें बता दूं कि वो माल कहां है तो तुम वहां जाकर वो माल तो ले लोगे, लेकिन हम सबको खत्म कर दोगे। इसलिए माल कहां है ये सिर्फ मैं अपने भाई को बताऊंगा, लेकिन तुम्हें एक वादा करना होगा, तुम्हारा मकसद पूरा होते ही तुम हम सबको आजाद कर दोगे। मंजूर है? मंजूर है। चलो किशन। देखो बरकरदार, ये मेरा बनाया हुआ एक अनोखा टाइम बॉम्ब है जिसके तारों की जाल को सिवाय मेरे और कोई दूसरा नहीं जानता। अगर किसी ने भी इसके तारों को छूने की कोशिश की तो इसके धमाके से तुम्हारे साथ साथ उसके भी टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। इस वक्त शाम के 6 बजे हैं बरकरदार, मैंने तुम्हारी जिंदगी और मौत के दरमियान 12 घंटों का फासला रख दिया है। कल सुबह 6 बजे तक वो 5 करोड़ रुपया तुम्हें मेरे पास पहुंचाना है। एक बात याद रखना, न तेज चलना न तेज भागना, कोई भी जोर का थक्का या छटका, पानी का छींटा, यहां तक कि तुम्हारा अपना पसीना तुम्हारे सीने पर सोई हुई इस मौत को जगाने के लिए काफी है। जब तक इस बम की सफेद बत्ती जलती रहेगी तुम्हारी जिंदगी सलामत रहेगी, और अगर किसी भी झटके से इसकी लाल बत्ती जल गई तो समझ लेना तुम्हारी मौत नजदीक आ गई। अपने इस अनोखे सफर के लिए तैयार हो जाओ। अब 12 घंटों के लिए तुम इस शहर की भीड़ में एक जिंदा टाइम बॉम्ब हो, और दूसरा टाइम बॉम्ब मैंने इस इमारत में फिट कर दिया है। अगर सुबह 6 बजे तक तुम वो माल लेकर मेरे पास नहीं पहुंचे तो उधर तुम खत्म हो जाओगे और इधर ये इमारत तुम्हारे भाई और बाप के साथ एक धमाके से उड़ जाएगी। बेस्ट ऑफ लक। छोटे सरकार, छोटे सरकार। नहीं नहीं बरखुरदार, आगे नहीं बढ़ना, तुम्हें मैंने 12 घंटे दिए हैं और इसे सिर्फ 12 मिनट, सिर्फ 2 मिनट रह गए। अपने पसीने ने 1 मिनट पहले ही उसकी जान ले ली, समझ गए ना?
स्काईवेज बिल्डिंग की टेरेस पर पानी की टंकी में मैंने एक लाल सूटकेस छुपाया हुआ है जिसमें 5 करोड़ रुपए रखे हैं। बात याद रखना, न केस चलना न केस फाटना। यहाँ तक कि तुम्हारा अपना पसीना तुम्हारे सीने पर सोई भी इस मौत को जगाने के लिए काफी है। जाओ, मेरे नजदीक मत आना, मत छूना मुझे, मैं कहता हूं हट जाओ। बच्चों ने अभी अभी आवाज दी थी, मुंह कह रहे ऊपर चलो। ये वॉचमैन कहां मर गया? अजी हम इतने हैं, वो अकेला है, चलो। मैं चोर नहीं हूँ, मुझे हालत मत समझिए। अगर मुझे किसी ने छूने की कोशिश की तो मेरे सीने पे चिपके हुए इस टाइम बम के धमाके से आप सब लोग खत्म हो जाएंगे। ये सब बहानेबाजी है, ये चोर हम सबको बेवकूफ बनाकर निकल जाना चाहता है। मैं पकड़ता हूँ इसे, बचकर कहाँ जाएगा? किशन ये सब क्या है? जल्दी से गाड़ी में बैठो, कमर हरिया।
घर आ रही थी, अचानक रास्ते में भीड़ देखी और तुम्हारी गाड़ी। अरे ये क्या? कुछ डोंट टच इट। तुम्हें मालूम नहीं मेरी छाती पर टाइम बम लगा हुआ है। टाइम बम? हाँ, ये टिक टिक की आवाज सुन रही हो ना? इस एक एक गुजरते हुए पल के साथ मौत मेरी जिंदगी को अपने दामन में समेटने की कोशिश कर रही है, और मैं इस वक्त की रेत को अपनी मुट्ठी में जकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। 6 बजने में कुछ ही देर बाकी है और तुम्हारा भाई अभी तक नहीं लौटा। लगता है या तो तुमने उसे गलत रास्ते पर भेज दिया के, या तुम्हारे भाई को तुम लोगों के मुकाबले 5 करोड़ रुपए का वजन ज्यादा महसूस हुआ। रिजवान, ओ शाबाश। ओके पार्टनर, बाय बाय, खुदा हाफिज, अलविदा। क्या कह रहे हो? तुमने कहा था रकम मिलते ही तुम मुझे इस मुसीबत से छुटकारा दिला दोगे। मैं तो तुम्हें हर मुसीबत से छुटकारा दिलवा रहा हूं बरखुरदार। बस कुछ ही मिनट की देर है, अच्छी तरह से गले मिल लो, अपने पुराने गिले शिकवे दूर कर लो, उसके बाद तो आजादी है हमेशा के लिए। बाय यू बास्टर्ड। किशन मेरे भाई, इस बॉम्ब को मैं भी डिफ्यूज कर सकता हूं, लेकिन मेरा हाथ। तुम? ये चंचल मधु की बहन। चंचल डैडी की रस्सी खोलो। यहां से जल्दी निकल चले, बम फटने वाला है, चलिए। प्लीज डैडी, मेरे नजदीक मत आइए। प्लीज, मुझे जो कोई भी छूने की कोशिश करेगा मेरे साथ ही खत्म हो जाएगा। आप लोग जाइए यहां से, प्लीज जाइए ना। नहीं किशन, ठहर जा मेरे भाई। तुम्हारे सीने से लिपटी हुई मौत के इन तारों को मैं अलग कर सकता हूँ, लेकिन मैं। आप बोलते जाइए, मैं तारों का अलग करती हूँ। नहीं चंचल, नहीं। क्यों नहीं? कल ये जिंदगी आप ही ने मुझे दी थी, आज अगर आप ही के साथ खत्म हो जाए तो इससे बढ़कर मुझे और क्या चाहिए? चंचल तुम अपनी जान मेरे। कहिए कौन सा तार अलग करूं? ये बाईं तरफ वाले तार को आहिस्ते से खींचो। Be careful. अब दूसरा वाला हेप निकालो। अब पीले वाले तार को आहिस्ते से निकालो। पीले वाला आहिस्ता, होशियारी से। अब वो दूसरी तरफ लाल वाले को निकालो। अरे वो नहीं, आहिस्ता। आहिस्ता।